समाचार। आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज का विषय बहुत ही रुचिकर भी है, बहुत ही मिस्टीरियस भी है और बहुत सारी निंदा स्तुति से घिरा हुआ ये विषय है। तंत्र शब्द हम जानते हैं कि समाज में जिस तरह का इसका इसके विषय में एक समझ बनी हुई है या इसके विषय में एक दृष्टि व्याप्त है वो निंदाजनक है, गर्भित रूप में इसको स्वीकार किया गया है। लेकिन जो लोग साधक हैं और जो विद्वान लोग हैं वो इस तंत्र के रूप को और इसके स्वरूप को और इसके सार को किस रूप में देखते सोचते समझते हैं और इसके आचार का पालन करते हैं वो नितांत एक भिन्न बात है। जब आप अपनी स्लाइड के ऊपर ये कुछ देखते हैं, मैंने जो शब्द लिखे हुए हैं कि ये तंत्र शब्द कितना प्राचीन रहा है, यज्ञ के अवसर पर भी हमें तंत्र शब्द मिलता है और पुराणों में और फिर आगे के सारे साहित्य में मिलता है, तो ये तंत्र शब्द जो समाज में बड़ा गर्हित होता रहा है वही तंत्र शब्द देखिए किस तरह से कभी गणतंत्र के साथ जुड़ गया, कभी प्रजातंत्र के साथ, राज्यतंत्र, लोकतंत्र, स्वतंत्र, व्यवस्था तंत्र और अनेकानेक ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मुझे इस वक्त स्मरण नहीं है। तो आप देखिए कि वही तंत्र शब्द है जो अनेकानेक जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ता हुआ हमारे तक आज तक चला आ रहा है। आपका पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तंत्र ही है और उसी के आधार पे हम आज अपनी व्यवस्थाएं चला रहे हैं। तंत्र के विषय में दो एक बातें और मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि कई बार तंत्र को हम, जैसा कि मैं बात कर ही रहा था कि समाज में है कि वो जादू टोना और ये काला जादू इस तरह के शब्दों से, और कई बार जो है वो जो जिसे कहेंगे कि हम बड़े घृणित क्रियाएं हैं उस तरह की क्रियाओं के साथ जोड़ करके हम देखते जरूर हैं। लेकिन अगर आप इसके बीच में ये जो शब्दावली है इनके बीच में जो अगर आप चित्र देख रहे हैं उस चित्र को अगर आप देखें तो तंत्र एक तरह की यात्रा है अपने स्व से लेकर के अपनी उपलब्धि तक। अगर आप इस चित्र में देखें तो जो मध्य का त्रिकोण आप देख रहे हैं उसके बीच में सामान्य रूप से बिंदु होता है, वो बिंदु आप हैं और ये जितने भी अन्य त्रिकोण आप देख रहे हैं ये सारे के सारे त्रिकोण क्या हैं, आपकी अभिव्यक्तियां हैं। तो एक तरह से तंत्र आपको क्या करता है, स्व से लेकर के आपकी परिधि तक, केंद्र से परिधि तक की जो यात्रा है वो तंत्र करवाता है। अब ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ज्योग्राफिक, ये जो ज्योमेट्रिकल जितने भी फिगर्स आप देख रहे हैं 54 होती हैं, ये सारी की सारी क्या है, तंत्र एक व्यवस्था है, विस्तार है, लेकिन एक व्यवस्थात्मक रूप से विस्तार है, वो कोई बिना संभले हुए या वो बिना किसी पर्पस के ऐसा नहीं है। तो वो कम से कम इन शब्दों को देख करके और इस चित्र को देख करके आप तंत्र के बारे में एक सामान्य सा अनुमान लगा सकते हैं कि ये तंत्र क्या होने जा रहा है। अब इस तंत्र से हम अपेक्षा क्या करते हैं, मेरे जैसा व्यक्ति तो तंत्र से बड़ा सरल सी बातें अपेक्षित रखता है, याचे न कंचन न कंचन वंचयामी, सेवे न कंचन निरस्त समस्त दैन्य, श्लक्षणम वसे मधुर मध्मी भजे वरस्त्री देवी हृदि सुरतु में कुल काम धेनु। क्या चाहता हूं मैं तंत्र से, न किसी से मैं याचना करूं, न किसी से ठगी करूं, न किसी की नौकरी करनी पड़े और समस्त दीनता से मुक्त हो जाऊं, सहजता का वास हो, मधुर भोजन प्राप्त हो, श्रेष्ठ स्त्री प्राप्त हो और मेरे कुल देवी हृदय में सदा स्मरण करे, मेरे हृदय में मेरी कुल देवी हमेशा स्मरण करे। ये एक पक्ष है, आप ये देखिए। दूसरी तरफ जब मैं और इसको देखता हूं कितनी स्पष्टता है, कितना व्यवस्थित है तंत्र में, अगर आप ये सारी बातें देखें और इस दृष्टि से जब आप देखने लगेंगे दुर्वासा कृत त्रिपुर सुंदरी महिमना स्तोत्र में से गेहम नाकति गर्वित प्रणतति
स्त्री संगमो मोक्षति देशी मित्रति पातकम सुप्रितति क्षमा वल्लभो दासति मृत्युर वैद्यति दूषणम सुगुणति तत्पाद संसेवनात् त्वां वंदे भवभीति भंजन करीम गौरीं गिरीश प्रियां। इस तंत्र से क्या होता है, जब तंत्र में शक्ति की जब आप उपासना करते हैं, उस शक्ति को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो घर स्वर्ग बन जाता है, गर्व करने वाला झुक जाता है, स्त्री संग से मोक्ष प्राप्त होता है, देशी मित्र बन जाता है, पाप पुण्य कारक हो जाते हैं, राजा दास बन जाता है, मृत्यु वैद्य बन जाती है, दोष गुण बन जाते हैं जिस पर भगवती की कृपा हो जाती है। कितनी विरोधी बातों को उठा करके, जितनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जीवन की, वो कॉन्ट्राडिक्शंस किस तरह से तंत्र अपने में बड़े सहज रूप में स्वीकृत कर लेता है। अब इसको आप किस किस और रूपों में जानते हैं, देखते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए इस विषय में दिशा निर्देश के लिए और उसमें और व्यापकता और सूक्ष्मता को जानने समझने के लिए आज फिर हमने एक बार पुनः आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को, जो अध्यक्ष रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के। और डॉक्टर साहब के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और आप सभी लोग परिचित भी हैं, कि उनका शास्त्र ज्ञान जितना सघन है, जितना परिनिष्ठित है उनमें, उतना ही जो वेस्टर्न फिलॉसफी है और अन्य फिलॉसफी के जितने भी पक्ष हैं, उतने ही वो भी व्यापक है। दोनों का समागम जो है उनमें हमें उपलब्ध होता है। और जब आप उनके बातचीत करते हुए देखते हैं, तो शास्त्र सहज रूप में ऐसे उभर कर आता है कि जैसे वो मानव शास्त्र से ही बने हुए हैं। इतना उनको शास्त्र स्मरण है, कंठस्थ है, और वो तर्क संगत बात करते हैं। और ये बात मुझे बड़ी प्रिय लगती है और इस बात के लिए मैं उनका आभारी भी हूं कि वो जो विषय के अनुकूल हमेशा बोलते हैं, अतिरिक्त नहीं, जितना विषय अपेक्षित है, जो समस्या है, जो प्रश्न किया गया है, तदनुकूल बात करना, ये विद्वान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं तो होता क्या है कि बहुत सारा स्मरण करते करते हम कुछ और ही बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि प्रश्न कुछ और होता है। लेकिन डॉक्टर साहब का ये एक विशेष गुण है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है कि जैसा विषय की अपेक्षा है, तदनुकूल बिल्कुल न वो अतिव्याप्ति में जाता है, न वो अव्याप्ति में रहता है, हमेशा निरंतर एक वो व्याप्ति की स्थिति में रहता है। तो ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का मैं अपनी ओर से, आप सभी जिज्ञासुओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ मैं दो तीन बातें और आपके साथ शेयर करके डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा लगभग अगले 45-50 मिनट की बातचीत करने के लिए, और फिर उसके बाद हम प्रश्नों पर लेंगे। मैं जल्दी से दो तीन बातें आपके साथ शेयर करूंगा, हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना है, वो चर्चा में लेकर। सामान्य रूप से जब आप तंत्र की बात करते हैं तो शक्ति साधना की बात करते हैं, और शक्ति साधना में जो शब्दावलियां आपको प्रयोग करनी होती हैं, वो तंत्र में शक्ति, यंत्र, मंत्र, तत्व, देवी, विनियोग, ऋषि, इस तरह के आपको जो है वो शब्दावलियों का बीज मंत्र, अभी कई सारे शब्द इसमें छूट गए हैं, तो वो सब का सब आप इसमें देखते हैं। उन शब्दों से भी हम परिचित होने का प्रयास करेंगे और उन शब्दों को किस तरह से तंत्र अपने में व्यवस्थित करता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है जीवन को जीने की, समझने की, और फिर उसमें सक्षमता कैसे आए। ये नहीं कि मुझे कई स्तोत्र याद हो गए, मुझे कई चीजें याद हो गई और मैं उनका पाठ करता रहा, मैं सब कुछ समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसमें पोटेंसी नहीं आई, वो सफल नहीं हुआ, तो वो भी हम देखेंगे कि उसकी स्ट्रेटजी और उसमें सक्षमता कैसे आती है। तो एक आध स्लाइड में और आप लोगों के साथ शेयर करके मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा। जब जो साधक हैं, जैसे कि मैं कल भी बात कर रहा था आप लोगों के साथ, कि जो विषय होते हैं उनके बारे में जब ऐसा कहा जाता है कि हम नहीं जानते, तो वो वस्तुतः ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं होता कि हम बिल्कुल नहीं जानते। हम जानते हैं लेकिन बहुत सीमित जानते हैं, और उस सीमित को और अधिक विकसित करने के लिए हम
जानने का ही प्रयास कर रहे होते हैं, ये उस पंक्ति का अर्थ होता है कि हम नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि क्या शिव और शक्ति एक ही तत्व के दो पक्ष हैं। कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर हम हाँ या ना में ले सकते हैं। कुछ प्रश्न हमें तंत्र को लेकर के ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसे हम कहते हैं कि प्रतिपृच्छा व्याकरणीय प्रश्न। क्या तंत्र एक विश्वास मात्र है? जो आक्षेप करने वाले लोग होते हैं तो उनसे हम कह सकते हैं कि क्या अन्य विज्ञानों का आधार विश्वास नहीं है? तो काउंटर क्वेश्चन के द्वारा भी हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो प्रतिपृच्छा व्याकरणीय इनको प्रश्न कहते हैं। चौथी जो स्थिति है, कुछ ऐसे अनावश्यक प्रश्न होते हैं, अनर्थक अनर्गल प्रश्न होते हैं, तो जिनको उठा करके व्यक्ति जो है वो किनारे कर देता है कि क्या शक्ति साधना प्रपंच मात्र अनर्थक है? तो ऐसे व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर क्या देना है उसको हम किनारे कर देते हैं। ऐसा नहीं उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन वहां आपको अपनी शक्ति का अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं है। और चौथे प्रकार के जो प्रश्न है जो महत्वपूर्ण होते हैं वो है कि शाक्त दर्शन या तंत्र दर्शन की साधना पद्धति का स्वरूप क्या है, कि उसका दर्शन क्या है और उसकी साधना पद्धति क्या है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि ये तंत्र का रूप क्या है और सार क्या है। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य जो है वो हमारे साथ साझा करें। लगभग अगले 45-50 मिनट में वो अपना वक्तव्य देंगे, उसके साथ ही जो है हम प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण भी लेंगे। और बाकी आप लोगों का जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट के लिए वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे, उसके लिए हमें स्मरण कराने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को कि वो अपना वक्तव्य जो है वो हमें दें और हमें दिशा निर्देश दें कि इस तंत्र का जो अत्यंत गर्भित शब्द समाज में प्रचलित है उसका सार क्या है और उसका रूप क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। आनंदमानंदतरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगींद्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। आब्रह्मांड पिपल्लिकांततनुभि सूद्रीं भमानास्फुटं जाग्रस्वप्न सुषुप्ति भाषिततया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणा निधि शुभकरी भूया सदा श्रेयस। आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज? क्लियर है सर। ठीक है। आदरणीय आशुतोष जी, इस संगोष्ठी में उपस्थित जितने भी विद्वजन है उन सबको नमन करके अभिमंदन करके मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आज की जो चर्चा है, आज हम तीसरे दिन से लगातार जुड़े हुए हैं। पहले दिन कुछ चर्चा हुई जिसमें हमने मस्तिष्क के अंदर क्या क्या है ये हमने जानने की कोशिश की कि मस्तिष्क में जो न्यूरोलॉजी क्या बता रही है उसके बारे में हमने कुछ प्रश्न रखे और उसको एक व्याख्यान हुआ अनिल अग्रवाल जी का, हमने सुना। कल जो व्याख्यान था वो दूसरा व्याख्यान जो था उसमें कुछ तत्व थे जैसे पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार की बात की। तो ऐसे दर्शन में जो तंत्र दर्शन क्या है इसकी निंदा क्यों की जाती है? पीवी काणे ने अपना जब इतिहास लिखा तो उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की कि तंत्र का प्रयोग कुछ गलत अर्थ में हुआ, इसमें पंच मकार उपासना है और इसमें कई ऐसी उपासनाएं हैं जो समाज में गर्हित मानी गई। तो पंच मकार की उपासना जो थी वो इस परंपरा में जो थी वो सही नहीं है और इसलिए वो जो तांत्रिक लोग हैं उनका आचरण, कभी वो कपाल लेके आते हैं कभी क्या लेके आते हैं, तो बार बार इसमें इनकी जो उपासना है उसकी बार बार ये प्रश्न उठा कि ये गलत है और ये समाज में स्वीकार्य नहीं है। वो जो तंत्र था, तंत्र क्या है असल में हम लोग जानते ही नहीं है और बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पाएंगे तंत्र क्या है। तंत्र जो भारतीय परंपरा का मूल तत्व है। तंत्र ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है या हम जिसको तंत्र समझ रहे वो तंत्र नहीं है। हमने कभी इसको जादू टोना कह दिया, अभिचार कर्म कह दिया कि अथर्ववेद में ये सब है तो ये तंत्र है, तो ये ऐसा तंत्र नहीं है। तंत्र क्या है? हमारी उपासना पद्धति का नाम है।
कि तंत्र में एक व्यवस्था होती है और हम उस व्यवस्था से हम उसका एक अपना पूरा विधि विधान है, और जिसे वेदों में कर्म कांड कहते हैं। कि वेदों में क्या है कि वेद शुरू से वेद में तंत्र में कोई भेद नहीं है, जो वेद कहते हैं वही तंत्र कहता है, जो तंत्र कहते हैं वही वेद कहता है, इनमें अभिनाभाव संबंध है। तंत्र और आगम, इसके लिए आगम शब्द प्रयोग हुआ, वेद के लिए निगम शब्द प्रयोग हुआ। आगम जो थे वो आगम क्या थे, तो वो भी ईश्वर प्रोक्त साहित्य था, और उसमें ये माना गया कि आगम में तीन शब्द आगम, तो आगतम शंभु वक्तृभ्यो गतम च गिरिजाम प्रति, कि जो भगवान शिव पार्वती के बीच में संवाद हुआ और शिव जी से पार्वती जी ने पूछा या पार्वती से शिव जी ने पूछा, तो आपस में दोनों ने एक दूसरे से प्रश्न किए संसार के विषय में, ज्ञान के विषय में, परम ज्ञान के विषय में, उनकी जो बातचीत है वो आगम कहलाती है। उसको एक ने बोला और एक ने सुना, इसमें एक गुरु है और एक शिष्य है, एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो एक ज्ञान को दे रहा है और एक तो शिव ज्ञान को दे रहे हैं, पार्वती ले रही है, कई बार पार्वती दे रही है, शिव भी लेते हैं। इस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान जो हुआ वो तंत्र में माना गया कि आ और ग का अर्थ है। तीसरा जो अर्थ था कि मां का अर्थ है कि इसको मान लिया भगवान विष्णु ने, इसे मान लिया, इसलिए इसे हम आगम कहते हैं। तो आगम जो थे, आगम को ये नया शब्द नहीं है, बहुत पुराना है, पतंजलि कहते हैं आगम जो है, ये आगम है, ये आगम है, तो आगम बार बार इसका प्रयोग महाभाष्य में मिलता है। तो आगम जो है हमारी परंपरा में शुरू से था और निगम भी था। निगम जो निकले हुए शब्द थे जो ईश्वर के द्वारा, वो सब और ये सब, दो तरह के शब्द हमारे सामने आए कि आगम और निगम दो परंपराएं थी, और दोनों परंपराएं मूलतः एक ही है और उनका लक्ष्य भी एक ही है, और दोनों का अर्थ ब्रह्म ही ज्ञान ही है, कि ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, जीव कैसे शिव बनेगा, तो उसको अपना बोध कैसे होगा, अपने आप को कैसे जानेगा, ये तंत्र का प्रधान विषय रहा शुरू से। उन्होंने जगत का विवेचन भी किया और उन्होंने तंत्र ने परम तत्व का विवेचन किया। कल तक जो हमारी बात रह गई थी कि जो पराविद्या है, इसलिए ईशोपनिषद में वो कहते हैं, जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, वो कहते हैं कि दो चीज हमें जाननी पड़ेगी, एक अविद्या और एक विद्या। वो कहते हैं अविद्या क्या है और विद्या क्या है। अविद्या वो कह रहे हैं जिसमें कम विद्या है, कम विद्या क्या, संसार की विद्या है, संसार का, इसको हम साइंस कहते हैं, कि अविद्या है। अविद्या इसलिए है कि इसमें संसार की बातें हम पढ़ते हैं, संसार कैसे बन रहा है, संसार में हम कैसे उन्नति करें, तो ये जो विद्या है अविद्या कहलाती है, और जो विद्या है वो पराज्ञान है। तो ज्ञान के दो भेद किए उन्होंने, परा और अपरा, या विद्या या अविद्या। तो ईशोपनिषद में कह रहे हैं अविद्या मृत्युम त्रित्वा विद्या मृतम अश्नुते, अविद्या से मृत्यु को जीतो। ये तो संसार है, संसार में मृत्यु भी है अमृत भी है, मृत्यु को अगर पार करना है तो तैरना पड़ेगा, और वो अविद्या से होगा। संसार में जिसका भी जो भी जीव आया है उस संसार में अगर वो अविद्या को प्राप्त नहीं करता है, अविद्या का अर्थ साइंस, वो साइंस नहीं पढ़ेगा तो वो संसार की लौकिक विद्याएं नहीं पढ़ेगा, तो संसार में उसका जीना दुभर हो जाएगा, वो बहुत ही गरीब और दुखी हो जाएगा। तो इसलिए ये विद्या जो है, ये विद्या हमारी भौतिक उन्नति के लिए जरूरी होती है, उसको उन्होंने अविद्या कहा। उसके ऊपर की जो विद्या उन्होंने कहा परा विद्या है, वो अमृत की ओर ले जा रही है। अमृत का अर्थ है कि परा विद्या उसे कहते हैं विद्या मृत मसनुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तो तंत्र विद्या वही विद्या है जिससे अमृत की प्राप्ति होती है। ये जो संसार है, संसार में मृत्यु भी है अमृत्यु भी है, वास्तव में मृत्यु है ही नहीं, संसार में कहीं मृत्यु नहीं होती है, पर हम लोग समझते हैं कि मृत्यु होती है। महाभारत में ये प्रश्न उठाया धृतराष्ट्र ने और विदुर से पूछा मृत्यु क्या है, तो विदुर कहते हैं कि देखो मृत्यु क्या है मैं जानता नहीं हूँ, मृत्यु क्या है ये मैंने अभी पढ़ा भी नहीं और यह मेरा विषय भी नहीं है, तो बोलो कौन बताएगा मृत्यु क्या है, युद्ध होगा मृत्यु होगी, मैं आशंकित हूँ, मृत्यु के बारे में मुझे जानना है। तो वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी इसका उत्तर दे सकते हैं या ब्रह्मा के पुत्र दे सकते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र का आह्वान किया और वहां एक ऋषि प्रकट हुए, इसका नाम है सनत सुजात, उसको ब्रह्मा का पुत्र माना गया, और उससे वो प्रश्न पूछते हैं मृत्यु क्या है। तो वो कहते हैं कि मृत्यु, तो कहते मृत्यु तो है ही नहीं, यहाँ सब चीज अविनश्वर है, प्रकृति भी कभी नष्ट नहीं हो सकती, पुरुष भी नष्ट नहीं होगा, यहाँ तो कोई मृत्यु होती नहीं कभी, यहाँ न जन्म है न मृत्यु है, दोनों ही नहीं है, यहाँ तो अमृत है। हमारा जो सिद्धांत है वेदों का मूल सिद्धांत था कि सब कुछ अमर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम तो मृत्यु को मानते ही नहीं है, मृत्यु होती नहीं है, किसी भी शरीर की भी मृत्यु नहीं होती है, और शरीर की और न शरीर की मृत्यु होती है, शरीर भी अमर है और शरीर भी अमर है। शरीर अमर इस अर्थ में है कि वो बदलता रहता है, उसको बदल सकते हैं आप उस शरीर को दूसरे रूप में बदल दें, वो नष्ट नहीं होता, यानी शरीर शून्य नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ संसार का एक अणु भी नष्ट नहीं किया जा सकता और एक भी अणु बढ़ाया नहीं जा सकता,
की ओर उनको हम बदल सकते हैं। तो संसार में दो सत्ताएं हमें दिखती है, एक परिवर्तनशील सत्ता जिसको हम प्रकृति कहते हैं और एक जो अपरिवर्तनशील सत्ता है वो पुरुष कहलाता है। तो ये दो वेदों में तत्व थे, यही तंत्र का मूल विषय रहा। जो पुरुष सूक्त के बाद में जो नारायण सूक्त है, उस नारायण सूक्त में कहते हैं कि जो वेदा हमेतम पुरुखम महांतम आदित्य वर्णम तमश परस्तात तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय, कि हम मोक्ष चाहिए हमें तो हमें पुरुष को समझना पड़ेगा। वो पुरुष कैसा है, प्रकृति और पुरुष में अंतर यही है कि पुरुष को हम जब जानेंगे तो आदित्य वर्ण है, आदित्य वर्ण तमश परस्तात, एकदम सूर्य की तरह वो प्रकाशित है। और बाकी जो संसार है अविद्या, इसलिए कहते हैं कि इसमें अंधेरा है तो वो तम से दूर है, वो प्रकाश है, उस प्रकाश की ओर चलो। तम और प्रकाश दो चीजें हमारे सामने हैं, और वो तम से दूर जो ज्योतिर्मय स्वरूप है वो पुरुष को जानो, उसको जान लोगे तो तुम मृत्यु को पार कर जाओगे, अमर हो जाओगे। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, उसको जानने के बाद तुम मृत्यु को पार कर जाओगे और अमृत को चले जाओगे। तो वेदों की जो दृष्टि है, तंत्र की जो दृष्टि है, एक ही दृष्टि है, और ये दृष्टि यही है कि हमें अमृत की प्राप्ति चाहिए। हम उस अमृत पुरुष का ध्यान करते हैं और हमें अमरता मिले और हम अमृत हैं और अमृत ही हो जाएं। क्यों हम मृत बने, हमें मृत नहीं बनना है। तो ये वैदिक जो मूल दृष्टि है तंत्र की, वो अमृत की प्राप्ति रही कि हमें अमृत चाहिए। और अमृत जो है वो शुभ बनने में है, वो जीव बनने में नहीं है। जीव बनेंगे तो जीव के साथ में जन्म मरण होंगे, और हम एक संसार में रहेंगे तो हम इसी में उलझे रहेंगे, कभी धर्म कर रहे हैं कभी अधर्म कर रहे हैं। तो धर्माधर्म हम जब करेंगे तो उसी के अनुसार हम सुख और दुख को प्राप्त करेंगे। जैसा हमारा आचरण होगा वैसा ही हमें सुख दुख की प्राप्ति होगी, और सुख दुख के चक्कर में हम पड़े रहेंगे, कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे। तो जितने भी कर्म हैं उन कर्मों से ऊपर जाकर के तंत्र में उन्होंने कहा कि जो हमें ब्रह्म ज्ञान करना है, वो तंत्र का प्रधान विषय रहा कि तंत्र जो है वो एक तरह से परमात्मा के ज्ञान की ओर जाता है। परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये बातें जो है वो विज्ञान की दृष्टि में संभव नहीं होती। विज्ञान, क्योंकि विज्ञान प्रत्यक्ष पर चलता है और ये प्रत्यक्ष के विषय नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें नहीं चलेगा। हम जो भी विवेचन करेंगे साइंस के अनुसार, उसमें हम ये विवेचन कर सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, इंद्रियां क्या कर रही है, इंद्रियां कैसे काम कर रही है। हमारे मस्तिष्क में अगर हम देखें, जो न्यूरो सर्जन देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर हजारों चीज हो रही है, हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, सत्य बोलते हैं तो क्या होता है, हम कामातुर होते हैं तो क्या होता है, क्रोध भी होते हैं तो कौन सी जगह क्या होता है, तो उनका वो अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान जो है उन्हीं का अध्ययन कर सकता है जो चीज के सामने प्रत्यक्ष है। जो अव्यक्त है, सांख्य ने कहा कि अव्यक्त है, जो कारण अव्यक्त होता है, उस कारण का आप कैसे अध्ययन करोगे, कार्य का आप अध्ययन कर सकते हैं। आप बीज को, बीज में पेड़ को कैसे देख सकते हैं, समस्या ये है कि पेड़ को आप देख सकते हैं, पेड़ में क्या आप एक बोटनिक आदमी विश्लेषण कर देगा कि पेड़ में कितनी चीजें हैं, कितनी अवयव है, कितना उसका हम टुकड़े टुकड़े करके हम देख लेंगे, उस पेड़ का पूरा हम निकाल लेंगे। पर बीज में पेड़ है उसको कैसे देखेंगे, बीज में बीज है ये तो दिख सकता है, पर बीज में पेड़ ये नहीं दिखता। इस संसार के मूल में जो परम तत्व वो दिखता ही नहीं कभी, क्योंकि वो अव्यक्त रहता है। तो अव्यक्त का जो अनुसंधान है उसे वो कहते हैं हमारा जो, उसे हम जीव और शिव की एकता मानते हैं। यही वेदों का लक्ष्य है और यही तंत्र का लक्ष्य है, इनमें कोई भेद नहीं है। भेद कहाँ आता है कि भेद जो लोग बाद में परंपराओं में उन्होंने तंत्र का अर्थ गलत समझ लिया और सोच लिया कि तंत्र तो केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम है और इसका दुष्प्रयोग हुआ, दुष्प्रयोग जब किया हमने सांसारिक अर्थ में तो ये गलत हो गया। तंत्र में कहा कि, तंत्र में कुछ ऐसी बातें कही गई जिनसे उसका दुष्प्रयोग हो गया कि मान लीजिए इसमें कहा मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, वशीकरण है, ये सब चीजें संसार में होती हैं, तो षटकर्म कहते हैं। तो षटकर्म जो है ये तंत्र इनकी व्याख्या करता है कि मारण मोहन, किसी को मारना है तो तंत्र मार सकता है इसको, वो जीवित भी कर सकता है, दोनों ही काम कर सकता है वो वशीकरण भी कर सकता है। तो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण ये सब तंत्र के विषय, आकर्षण विद्वेषण, तो ये विषय है। तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं जब हमें करना है, इनको करना है कि नहीं करना, तो क्या इनका प्रयोग नहीं करना आपको, प्रयोग करोगे तो क्या होगा। तो प्रयोग करने का अर्थ है कि आप भगवान को ही चैलेंज कर रहे हो, आप किसी को मार रहे हो, भगवान जिलाना चाह रहे हो आप उसको मारना चाह रहे हो, तो आप तो अपनी जो मूल प्रकृति है उसके विरुद्ध हो गए, आप भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा प्रयोग करता है कि वो सोचता है कि मैं मंत्र को मारने में प्रयोग कर रहा हूँ, मैं स्तंभन में प्रयोग कर रहा हूँ, उच्चारण में कर रहा हूँ, तो उसका परमात्मा से संबंध टूट जाता है कि परमात्मा देखता है कि इसको मैंने क्यों सिखाया था और ये प्रयोग मेरे ही खिलाफ करने लग गया, कि मैंने इसको जो विद्या सिखाई वो विद्या मेरे खिलाफ होने लगी। तो तंत्र का जब दुष्प्रयोग होता है तो भगवान सोचते हैं कि अब ये तंत्र जो है ये दुष्प्रयोग कर रहा है, ये दूसरों के लिए अपने हित के लिए इसका प्रयोग कर रहा है, अब ये सार्वजनिक या यज्ञ हित नहीं है, इसमें समाज का और देश का हित नहीं है, तो भगवान
उसको फिर दुर्गति को प्राप्त कर देते हैं कि ये व्यक्ति तंत्र को नहीं समझ रहा और उसको दुर्गति मिलती है और वो व्यक्ति समाज में गर्हित हो जाता है। तो तांत्रिक लोग कई बार ऐसा आसन कर बैठते हैं अपने विद्या के अहंकार में और वो जो उनको नहीं करना चाहिए था, इसलिए तंत्र में जो है कई जो बातें हैं जो लोक में इसकी गर्हा हो रही है। तंत्र जो था, तंत्र का जो विषय था कि तंत्र का दर्शन क्या है, तंत्र का जो दर्शन था कि जो वैदिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है कपिल का, हम उसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। उसमें 25 तत्व बताए गए हैं, प्रकृति दो ही तत्व मूलतः प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति में उन्होंने 24 भेद किए हैं, एक मूल प्रकृति है और 7 जो है विकृतियां हैं। मूल प्रकृति वो कि जो अव्यक्त है, जो कारण है वो दिखती नहीं है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होना किसी को। व्यक्त प्रकृति जो है उसको कहते हैं, इसमें 7 रूप है, महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। महत मानी बुद्धि, अहंकार और तन्मात्राएं, उनसे फिर संसार बनता है। तो कहते हैं 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन और 5 महाभूत। इस तरह से कुल ये 24 तत्व होते हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 महाभूत और 5 उनकी तन्मात्राएं। तन्मात्रा उनके परमाणु रूप को कहते हैं। तो ऐसे 20 तत्व ये हो गए, मन, बुद्धि, अहंकार, 23। और मूल तत्व जो है उसको कहते हैं कि वो मूल प्रकृति जो है उसको अव्यक्त या प्रधान कहते हैं। वो प्रधान तत्व जो वो अव्यक्त है, वो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो वो अव्यक्त तत्व है। अब वो जो अव्यक्त तत्व है उससे क्या पैदा हो रहा है, तो कहते हैं ये मन बुद्धि अहंकार क्यों बनते हैं, तो कहते हैं मन बुद्धि अहंकार इसलिए बनते हैं कि इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण है और वो 3 गुण है पुरुष में निर्गुण है। तो ये जो खेल है, दो ही तत्व हुए, एक निर्गुणात्मक और एक त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक में क्या होगा कि सत्वगुण है इसलिए ज्ञान है, हम सब में ज्ञान है, हर जीव में ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत सब में ज्ञान है, कोई बिना ज्ञान के हुआ ही नहीं है, तो वो सत्वगुण है। रजोगुण का अर्थ है कि उसमें क्रियाशीलता है, वो क्रिया भी इसके साथ में आएगी और क्रियाशीलता जो है वो उसमें रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी, ये रजोगुण का स्वभाव है, वो लगातार काम करता है। और तीसरा जो गुण है तमोगुण, उसमें अज्ञान भी होगा, जो जितना ज्ञानी होगा उतना ही इसमें अज्ञान भी रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अज्ञान नहीं हो, सब अज्ञान से बने, क्योंकि हम सब त्रिगुणात्मक हैं। तो गीता कहते हैं कि त्रिगुण्यो विषयो वेदा निस्तुर्गुण्यो भवार्जुन, कि 3 जो गुण है, संसार जो है त्रिगुणात्मक है, संसार की प्रकृति का जो मूल तत्व त्रिगुणात्मक स्वरूप है, वो मन बुद्धि अहंकार से ऊपर त्रिगुण है। और वो त्रिगुण जो है ये वेद भी इसी की व्याख्या करते हैं। जब विज्ञान भाव में वेद व्याख्या करेगा संसार की, सृष्टि की जब भी व्याख्या की जाएगी, तो वो एक तरह से सृष्टि की जो व्याख्या हम करेंगे वो त्रिगुणात्मक होगी, और जो परम पुरुष की व्याख्या होगी वो निर्गुणात्मक होगी। ये दोनों तत्व दो नहीं है। इसे ही आपका जो प्रश्न था कि शिव और शक्ति क्या है, तो दोनों एक ही चीज है, एक को हम शिव कह रहे हैं, एक को शक्ति कह रहे हैं। जो शक्ति है वो त्रिगुणात्मक है और शिव जो है वो निर्गुणात्मक है। तो दो तत्व हुए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये क्या मान रहे हैं आप, कैसे लक्षण कर रहे हैं परा का, तो परा का लक्षण कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में 3 चीजें हैं। वेदांत ने इसको सिद्ध किया कि 3 चीजें क्या हो सकती है ब्रह्म में, तो कहा सत, चित और आनंद, ये सच्चिदानंद का स्वरूप लक्षण है। लक्षण कई दिए उन्होंने, पर जो लास्ट में सिद्धांत किया कि सत रूप, चिद रूप और आनंद रूप। अब दो चीज बच गई, वो क्या है, तो कहते पंच ब्रह्म होते हैं, दो तत्व और बचते हैं। उसको उन्होंने कहा कि एक नाम है, एक रूप है। ये नाम और रूप क्या है, तो तंत्र ने इनको पकड़ा कि नाम रूप क्या है ये बताइए, नाम और किसे कहते हैं, रूप किसे कहते हैं, यही शक्ति है। नाम और रूप क्या है, नाम का अर्थ शब्द और रूप का अर्थ है उसका अर्थ। तो ये जगत जो है ये अर्थात्मक जगत है, पदार्थात्मक जगत है, इसका कोई ना कोई नाम तो होगा ही, तो नाम और रूप जो है इसी को शक्ति कहते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म के दो भेद हो गए, एक परब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। परब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद रूप है, वो परब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद रूप है, और जो अपर ब्रह्म है वो शक्ति स्वरूप है, उसके अंदर क्रिया शक्ति है, वो त्रिगुणात्मक है। इसलिए उसको उन्होंने कहा कि वो त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने के कारण जो वो जो त्रिगुणात्मक है, एक स्वरूप त्रिगुणात्मक और एक निर्गुणात्मक, तो ये दोनों मिलकर के एक ही चीज है, ये उसी की शक्ति है। जैसे अग्नि की शक्ति दाहकता है, वो अग्नि से भिन्न नहीं है, और वो उसके उसका दोनों का अभिन्न भाव संबंध है। कभी भी शिव शक्ति के बिना नहीं होते और शक्ति शिव के बिना नहीं हो सकती। हम जैसे तो तंत्र में ये माना कि दोनों एक ही चीज है और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। 3 जो रूप है वो उसके अविनाशी रूप है, अमृत रूप है, और 2 जो रूप है वो कार्य रूप में बदलते हैं, उसको महामाया कहते हैं। वो सदरूप भी नहीं है, वो चिद्रूप भी नहीं है, और वो आनंद, वो दोनों का भाव भी नहीं है, भाव भी नहीं है। तो उसे माया का शंकराचार्य ने
और इसलिए तंत्र ने कहा कि वही शक्ति है। अब जैसे हम सूर्य की शक्ति क्या है, सूर्य की जो शक्ति है, हम जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो वैदिक तंत्र है, वेदों का जो तंत्र है, तंत्र के हम चार वेद करते हैं कि तंत्रिक साहित्य जो है वो चार तरह का हो सकता है, चार युग हुए और युग के अनुसार हमारा चार तरह का साहित्य है। पहला जो युग था वो वैदिक युग था, तो उसमें एक जो साहित्य था उसको हम वैदिक साहित्य कहते हैं, वो भी तंत्र ही है, पूरे वेद तंत्र है, इसमें तंत्र के अलावा वेद कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कर्मकांड है, कर्मकांड जो है तंत्र ही उसकी व्याख्या करेगा, और उसमें उपनिषद भाग जो है वो ज्ञान कांड, कर्मकांड और उपासना कांड, उपासना पूरा तंत्र का ही विषय रहा और पूरा वेद तंत्र ही है, तंत्र के अलावा वेद कुछ भी नहीं है। तो उसमें जो तंत्र भाग है तो वो वैदिक साहित्य था, और एक युग था जब वेदों को लोग पढ़ा करते थे, और वैदिक युग था जिसे हम सत्य युग कहते हैं। उस समय लोगों में चार बातें थी, एक वो लोग सत्य पर थे, वो यज्ञ करते थे, और उनमें तपस्या थी, और चौथा जो उनमें चीज थी वो उनमें दान था। धीरे धीरे जब युग में लोग पाप का तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ने से एक गुण कम होता है, सत्य गुण कम हो गया, त्रेता युग आता है, त्रेता युग का जो साहित्य है उसे हम, वो वेदों का साहित्य नहीं है, त्रेता युग का साहित्य स्मृति साहित्य कहलाता है। और स्मृति साहित्य में जो हुआ क्या कि जो वैदिक साहित्य था और स्मृति साहित्य जो आया, स्मृति साहित्य में आते ही सत्य कम हो गया, लोगों में सत्य बोलना और उनके लिए कठिन होने लगा, और वो केवल यज्ञ करते रहे, तो वो यज्ञ करने वाला युग था, उसमें खूब यज्ञ करे उन्होंने और एक चीज उनकी छूट गई। फिर तीसरा जो युग आया द्वापर युग, द्वापर युग आने पर एक चीज और क्षीण हुई, और एक साहित्य भी, एक तीसरा साहित्य हमारे सामने फिर प्रकट होता है। साहित्य सब अनादि है, तंत्र भी अनादि है, स्मृति भी अनादि है, वेद भी अनादि है, पर वो प्रकट उस समय होते हैं, तो तीसरा साहित्य फिर प्रकट होता है, उस साहित्य को हम पुराण साहित्य कहते हैं। पुराण जो है वो द्वापर का साहित्य है, और उन पुराणों में 18 पुराण, 18 उपपुराण, महापुराण और ऐसे बहुत से साहित्य और संहिताएं जो लिखी गई, तो वो एक अलग था, वो एक युग था। उस युग में क्या है कि अब यज्ञ भी छूट गया करना, और सत्य बोलना भी छूट गया हमारा, सत्य आचरण भी हमारा जा चुका था, हम खूब झूठ बोलने लग गए थे। तीसरा जो युग द्वापर आया, द्वापर में जो है वो जो है तीसरी बात जो तपस्या थी वो तपस्या भी क्षीण हो गई, और कलयुग आता है। जब कलयुग आता है तो कलयुग में केवल एक धर्म बचता है, उस धर्म का नाम क्या है, उस धर्म का नाम दानम एकम कलो युगे। कलयुग का धर्म केवल दान कर सकता है आदमी, किसी की सहायता कर सकता है, बाकी वो सत्य पर नहीं स्थित है, उसका आचरण श्रेष्ठ नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देता है, और वो यज्ञ भी नहीं कर पाता है, जो यज्ञ वेदों बताए वो सब यज्ञ वैदिक यज्ञ स्मार्थिक आचरण नहीं कर सकते आप, वो वैसी परिस्थिति नहीं होगी, वैसी जगह ही नहीं होगी जहाँ आप यज्ञ करेंगे, क्योंकि यज्ञ के जब लक्षण करते हैं मनु कहते हैं कि यज्ञ वहीं करना चाहिए जहाँ पर काला मृग जो है वो अपने स्वभाव से घूमता हो। कृष्ण सार मृगो यत्र विचरति स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञो देश मृत्स देश तत्परत, कि यज्ञ देश वो है जहाँ काला हिरण को कोई खाता नहीं हो, आराम से घूमता हो, विचरण करता हो, वो यज्ञ वहीं किया जा सकता है, बाकी सब देश मलेच्छ हैं, जो मांस खाने की इच्छा रखते हो उस देश में यज्ञ कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि मलेच्छ देश है, मांस खाना और मल खाना एक ही बात है, क्योंकि मरे हुए को खाते हैं तो मल कहलाता है, तो इसलिए मलेच्छ कहा उन्होंने कि वो मलेच्छ देश है। तो अब यज्ञ भी संभव नहीं है, तपस्या भी संभव नहीं है, और अब केवल दान बचता है, तो इस युग का साहित्य एक नया प्रकट होता है, उसे आगम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तंत्र जो है वो तंत्र साहित्य का उद्भव होता है, और कलयुग जैसे जैसे बढ़ता है तो तंत्र साहित्य सामने आने लगता है कि तंत्र साहित्य है, और ये थोड़ा सा सरल है, उनसे इसकी पद्धति सरल है, वैदिक पद्धति, पौराणिक पद्धति, स्मृति की पद्धति, स्मार्त पद्धति और तंत्र साहित्य, तंत्र साहित्य थोड़ा सा उससे बहुत सरल है, और इसने उन चीजों को, उस यज्ञ को अपने तक सीमित कर दिया। बोले ठीक है अब यज्ञ नहीं कर सकोगे, क्यों नहीं कर सकोगे, कि न तो तुम्हारे परिवार तुम्हारे बस में रहेगा, न तुम्हारा गांव तुम्हारे बस में रहेगा, न देश रहेगा, न लोकतंत्र, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आप केवल अपना ही तंत्र कर लें, और आपके हाथ में असल में आप खुद भी नहीं है, आपका अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं रहता। आत्मतंत्र या स्वतंत्र का अर्थ है कि मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल है, तो उनका मेरा भी कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तंत्र ने कहा कि अब कैसे यज्ञ करोगे, आप कौन सा यज्ञ होगा, तो कहते हैं कि अब जो यज्ञ होगा वो हमारा अंदर यज्ञ होगा, इसको अंतर्याग कहते हैं। दो यज्ञ कहते हैं, बाहर यज्ञ तो होता है वो दिखाने के लिए होता है, देखते हैं लोग, पर उससे भी असली यज्ञ जो है अंतर्याग है, तो कहते हैं अंतर्याग विधाय एवं बहिर्याग समाचरित। तो अंदर यज्ञ करो, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूजा फल प्रसाद किसी की जरूरत नहीं है, और आप अंदर आ जाओ और अंदर क्या पूरा ब्रह्मांड देख लो, आपको कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही मंदिर हो, आपके अंदर जो आपने जो प्रतीक बनाया आशुतोष जी ने, जो इसका जो प्रतीक सामने रखा श्री यंत्र का, इन्होंने कुछ भाग रखा, तो ये श्री यंत्र जो है ब्रह्मांड का प्रतीक है, ये ब्रह्मांड है और ये ब्रह्मांड मेरे अंदर ही है, पूरा श्री यंत्र मेरे अंदर है, मैं इसको क्यों नहीं देखता हूँ, तो मैं कैसे देखूँ इसको, तो कहा कि आप देखिए मूलाधार है, मूलाधार से नीचे सहस्रार है, उसमें आप जो बाहर का भूपुर देख लीजिए,
जो भूपुर है, बाहर की तीन रेखाएं होती है उसको भूपुर कहते हैं, वो भूपुर देख लीजिए, इसमें 16 पत्ते होते हैं, इसको षोडश दल कहते हैं, तो उसको आप अपने मूलाधार में देख लीजिए, स्वाधिष्ठान के अंदर आप अष्टदल देख लीजिए, इसके बाद का जो चक्र इन्होंने बनाया है इस चित्र में, तो वो जो चक्र है वो उसको उस चक्र में उन्होंने कहा कि इसमें बहिर्दशा है, बाहर बाहर 14 कोण है, फिर 10 कोण है, फिर और 10 कोण है, फिर 8 कोण और त्रिकोण और बिंदु, ये इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की पूरी पराशक्ति है, पराशक्ति का यह विवेचन है कि उसका ब्रह्मांड में कंट्रोल कैसे है। उन्होंने कहा कि उसको फिर हम ऐसा करेंगे कि नाभि में जो है हम बाहर का जो चक्र चतुर्दशार को ध्यान करेंगे, और अनाहत चक्र यानी हृदय में हम उसका ध्यान करेंगे जो बहिर्दशार है, बाहर 10 शक्तियां जो है, उसके बाद में जब हम विशुद्धि चक्र पर आएंगे तो हम उनकी 10 शक्तियों का जो अंतर्दशार कहलाती है उनका करेंगे, और जब नासिका के सामने आएंगे तो वो जो शक्ति है उनको हम ये कहते हैं कि वो जो शक्तियां हैं जिनको वो कहते हैं वाग्देवी, अष्टारक्ष की शक्तियां, 8 शक्तियां जो वाग्देवी है, ये जो हमारी वर्ण मातृका है, इसकी हम उपासना करते हैं। हमने सोचा कि ज्ञान को हम कैसे समझें या क्रिया को समझें, किसको समझें, जो मूल तत्व है वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, अब उसके बाद में क्या, तो निर्गुण है, तो निर्गुण को तो हम किसी तरह समझ ही नहीं पाएंगे, वो सच्चिदानंद रूप केवल इतना ही समझेंगे, इसलिए दार्शनिक लोग भ्रांत हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमने ब्रह्म को पढ़ लिया, ब्रह्म को जान लिया, अब ब्रह्मास्मि, तो क्या ब्रह्म ज्ञान उनको हो गया, क्या वो मुक्त हो गए? नहीं होते। वो हर तत्व, हर दर्शन ये घोषणा करता है कि भाई 16 तत्व को जान लो मुक्ति हो जाएगी, 7 तत्व को जान लो, 2 को जान लो, 1 को जान लो, इनको जान लो, इन सबसे मुक्ति हो जाएगी। तंत्र कहता है इनसे मुक्ति नहीं होगी, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तंत्र एक प्रैक्टिकल है, खाली थ्योरी नहीं है, वो कोई थ्योरेटिकल साइंस नहीं है, उसको आप एक एक चीज को करें तब आपको पता लगेगा करना क्या है। केवल ज्ञान मात्र से जो है हमारा काम नहीं चलेगा, और हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो करने के लिए तंत्र रास्ता देता है कि रास्ता जो, इसके लिए इसमें गुरु की जरूरत पड़ती है, उपदेश जिसने, गुरु वही होगा जिसने जानता हो कि कैसे किया, और उसके बाद में इस रास्ते पर चल जाता है। तो सबका गुरु जो कौन है, तो शिव ही गुरु है, जो अनादि परंपरा भगवान शिव से चलती है, शिव ही सबका गुरु है, वही ज्ञान का देता है और वही सबको ज्ञान दे रहा है। तो उस ज्ञान से हम आगे चलेंगे तो हम उन तत्वों को समझते जाएंगे, उससे बाद में हम त्रिकोण में होते हैं, अष्टकोण के बाद त्रिकोण है, त्रिकोण जो है उसमें 3 शक्तियां, उनका 3 शक्तियां कौन सी हो सकती हैं, तो ज्ञान, क्रिया और इच्छा, 3 शक्तियां हैं। त्रिकोण का मतलब 3 शक्तियां हैं, मेरे में ज्ञान है, मैं कुछ गाता हूँ, मैं करता हूँ और मैं इच्छा करता हूँ, ये 3 हर जीव में इच्छाएं हैं। क्योंकि हम असल में हम भी क्या है, एक प्रतिलिपि है किसकी, शिव की, जो शिव में है वो हमारे अंदर है, हमारे में क्षीण रूप में है, कम रूप में है, शिव में अपरिमित रूप में है, क्योंकि वो अमृत है। और हम लोग अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ प्रकट है, कुछ दिनों के लिए हमने शरीर से संबंध कर रखा है, इसलिए हमारी जो शक्तियां सीमित होती है, ज्ञान, क्रिया, इच्छा, ये 3 चीजें हैं। अब इसके बाद में क्या है, चौथी शक्ति है, वो क्या, उसको तुरिया कहते हैं, वो परे, सबसे परे है, वो क्या है, वो परा से परा क्या है, तो क्या चौथी, इन तीनों शक्तियों को मिलने के बाद में और क्या जानेंगे, ज्ञान जान लिया, क्रिया जान ली, इच्छा जान ली, चौथी चीज उनका शांता अवस्था है, उसी को तुरिया कहते हैं, कि वहां जाकर के कुछ भी नहीं बचता, कि जैसे एक बूंद है, और बूंद ये समझती है कि भाई मैं बूंद हूं, और जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है तो बूंद का अस्तित्व विलीन हो जाता है परब्रह्म में, तो जब परब्रह्म में लीन हो जाता है तो फिर वो अमर हो जाता है, और वो उसी रूप में जो वापस जीव था वो शिव में परिणत हो गया, और इसे वो कहते हैं कि ये शांता अवस्था है, अब उसमें कोई हलचल नहीं होनी है, अब वो क्या कि उसमें कोई ज्ञान और क्रिया नहीं होगी, वो निर्गुण रूप को प्राप्त कर लेगा। तो ये इसे परा कहते हैं, पराविद्या जो है जिससे अमृत की प्राप्ति होती है, वो तंत्र ने इसकी व्याख्या कर दी और तंत्र ने इसकी पद्धति दे दी। तंत्र का अर्थ है पद्धति देना, कि हम एक सिस्टम बनाएं कि हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे और कैसे हम इसको दिखाएंगे। तो उन्होंने उन सिद्धों को सिद्ध करके दिखाया कि भाई इसका एक क्रम है। इसलिए उन्होंने कहा विद्या क्या है, विद्या मुक्ति देती है, इसलिए तंत्र में महाविद्या शब्द का प्रयोग किया, कि हम तो विद्या के लिए महाविद्या है, हमारे यहाँ 10 महाविद्याएं हैं, जिसे बाद में वैष्णव ने उसको 10 अवतार कहा कि 10 अवतार हमारे, तो वो 10 महाविद्याएं हैं, और उन महाविद्याओं के अध्ययन से हम क्या कर रहे हैं कि हम उनका साधना कर रहे हैं, उनसे हमारा संपर्क जोड़ रहे हैं। हमारा संपर्क किससे है, संसार से है, उनसे हमारा संबंध नहीं, क्यों नहीं है, कि हमारा जो भी इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं, हमारी इंद्रियां बाहर तो देखती, अंदर नहीं देख सकती, हम आंख बंद करके अंदर देखें कुछ नहीं दिखता, हम अंदर की नहीं सुनते, बाहर की सुनते हैं, तो हमारा जो चित्त है वो बाहर की ओर भटकता है, संसार की ओर भटकता है, इसलिए हम अविद्या की ओर जाल लेते हैं, विद्या की ओर नहीं जाते। अब इसको अंदर घुमाना है, कि हम अंदर कैसे ले जाएंगे, तो तंत्र ने कहा कि हमें एक साधन चाहिए जिससे हम चलेंगे, वो साधन क्या होगा, वो शब्द होगा। उन्होंने कहा कि असली शब्द जो है, हम शब्द की साधना करते हैं, और शब्द हमारा एक मंत्र होगा, उस एक मंत्र को हम ले लें तो हमारे सभी सब कुछ सिद्ध हो जाएगा।
इसमें तो मूल क्या होगा, तो क्या वो शब्द की हम उपासक हैं, और शब्द ब्रह्म उपनिषद कहती है शब्द ब्रह्मणे निष्णात है परम ब्रह्मादि गच्छति, कि जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गया वो परब्रह्म को चला जाएगा। आप परब्रह्म को जाने का कोई रास्ता ही नहीं है बिना शब्द के, तो शब्द जो है वो शक्ति स्वरूप है, और शब्दों में एक शक्ति है, उस शब्दों को ही अंदर हम देख रहे हैं। जो षट चक्र हैं, छह चक्र हैं, उनमें हम क्या कर रहे हैं, तो हम उनमें कह रहे हैं कि हम उनमें ही हम तीन शक्तियों को देखते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की शक्ति को देखते हैं, एक सतोगुणी शक्ति, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी, या उसको ये कहें कि एक तीन तत्व है मूलतः, जिसको कहते हैं सूर्य चंद्रमा और अग्नि। पृथ्वी जो है वो अग्नि का प्रतीक है, चंद्रमा ऊपर आकाश में वो अमृत तत्व है, और सूर्य जो है वो मृतामृत है। सूर्य को कहते हैं कि सूर्य जो है वेदों में कहते हैं कि आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेश मृतन मृतन से, सूर्य आधा अमृत है और आधा मृत है। सूर्य का एक भाग आधा अमृत है और आधा मृत है। तो कहते हैं तीन जो हमारे सिद्धांत है कि चंद्रमा जो है वो अमृत है, सूर्य अमृत और मृत है, और पृथ्वी पर मृत्यु भी दिखती है, इसको मृत्यु लोग कहते हैं, इसको अग्नि लोग कहते हैं। तो अग्नि तीन तत्व हुए मूलतः, अग्नि सूर्य और चंद्र, इसी को हम कहते हैं कि हमने इसी तरह वर्ण मात्रा के तीन भेद किए। हमारे पास एक स्वर है वो एकदम अमर है, स्वर जो हमारे अमर है, हम जो ऐसे स्वर करते हैं, ये जो स्वर है षोड़श स्वर, तंत्र में 16 स्वर माने गए कि 16 ही स्वर होते हैं। तो इन स्वरों को हमने माना कि ये मूल जो स्वर है अमर है, क्योंकि कोई भी भाषा बिना स्वरों के नहीं बोली जाएगी। व्यंजन जो वो इस तरह के नहीं है, व्यंजन जो वो प्रकृति रूप है और ये अमृत रूप है। तो व्यंजन जो है हमारे, जिनको हम कह से लेके मत तक कहते हैं स्पर्श वर्ण, कादेव मावसाना स्पर्शहा, तो कैसे लेके मत तक वर्ण, ये दूसरे तरह के वर्ण है, और फिर तीसरे जो वर्ण है 11 लक्ष, तो ये जो वर्ण है इनको कहा आधे स्वर आधे व्यंजन है। तो ये तीन तरह की जो भाषा है, इस भाषा के आधार पर ये हमारा नाम है, और इस भाषा का प्रत्येक अक्षर जो गजब कर रहा है, और इस गजब से कहते हैं नाम से ही सृष्टि होती है। हम एक नाम बोलते हैं सृष्टि हो जाती है, हम जो भी इच्छा करेंगे वो भी हो जाएगी, तो इच्छाएं जो है वो इससे पूरी हो जाएगी। तो जितने भी भगवान हैं वो सब तांत्रिक हैं, मतलब सब प्रयोग करते हैं, और वो सब इस साधना में लीन होते हैं। वो साधना किसकी है, तो शब्द ब्रह्म की उपासना है। शब्द ब्रह्म की जब उपासना करते हैं तो उससे परब्रह्म की उपासना होगी। उपासना जो शब्द ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म को ही हम शक्ति कहते हैं, कि वो शक्ति है शब्द में जो शक्ति है, शब्द किसी को उत्पन्न भी करता है, किसी को नष्ट भी करता है। मैं अच्छी बात बोलूंगा, किसी की प्रशंसा करूंगा तो वो भी मेरी प्रशंसा करेगा, मैं किसी से लड़ाई करूंगा तो मेरे से वो डबल करेगा। तो एक अर्थ क्या हुआ कि शब्द जो है वो हमें संसार में इज्जत भी दिलाते हैं और बदनामी कराते हैं। अगर मैं झगड़ा करना शुरू करूँ सब मेरे से झगड़ा करेंगे उल्टा, जितना मैं जिसको गाली निकालूंगा वो डबल निकालेगा मेरे को, तो फिर क्या होगा। तो मेरा व्यवहार शब्द ही मुख्य चीज़ है, शब्दों से सब कुछ होता है। इसलिए पतंजलि ने घोषणा की थी कि एक शब्द है सम्यक ज्ञात है सुष्टु प्रयुक्त है शास्त्रान्वित है स्वर्गे लोके च काम दुख भवती, कि एक शब्द को आप सही तरीके से प्रयोग कर लेंगे तो वो स्वर्गलोक को और सभी कामनाओं को पूरी करेगा। उस शब्द का जो प्रयोग है वो तंत्र ने उसी को पकड़ा, कि हमारा मूलतः जो विषय है वो शब्द ब्रह्म की उपासना है, और हम शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं। अब बीच में जो देवता आ जाते हैं, कि हम जैसे इस यंत्र को देखा, श्री यंत्र को हमने देखा, इसमें बहुत से देवता आएंगे, बहुत सी शक्तियाँ आएंगी, इसमें बहुत सी शक्तियाँ आएंगी और देवता ही बहुत से आएंगे। जैसे हम देवता की बात करें, ब्रह्म अलग है, हम जैसे वेदों में देखते हैं तो देवता अग्नि है, सूर्य है, वायु है, चंद्रमा है, यमराज है, तो ऐसे हमारे पास कुबेर है, तो 10 दिशाओं के 10 देवता, उसको 10 दिक्पाल कहते हैं। ये 10 दिक्पाल यही महाविद्या है और यही विष्णु के दशावतार है, कि 10 शक्तियाँ हैं, इन्हीं से हमारी 10 इंद्रियाँ बनती है, 10 इंद्रियों का जो निर्माण है इन देवताओं से होता है। इसलिए इंद्र और इंद्रिय में अंतर नहीं है, कि हमारा जो ज्ञान, हमारा जो अंदर इंद्रियाँ हैं वो देवता ही हैं। वो अगर नहीं होते, अगर इंद्रियाँ हमारे पास नहीं तो हम क्या कर लेते। तो इंद्रियों को केवल तृप्त करना नहीं है, उन इंद्रियों को हम उधर ले जाएं, उनको बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनाएं। ये तंत्र, इसको इस तरह से तंत्र अपनी व्याख्याएं करते हैं, और उनका जो साहित्य है उस साहित्य में वो कहते हैं कि हम अंदर ही अंदर सब कुछ देखें, ब्रह्मांड को देखें। और ये जो शरीर है, शरीर का जो हम भौतिक विवरण करते हैं वो आयुर्वेद वाले करेंगे, भाई इसमें 7 धातुएं हैं। जो पहली जो इंद्रिय है त्वचा, त्वक इंद्रिय है। अब त्वचा इंद्रिय है, इसको तंत्र में कहा डाकिनी है, ये डाकिनी कहलाती है, डाकिनी शक्ति है। और इस शक्ति का ध्यान वो कहते हैं कि इसका ध्यान हमें जो है विशुद्धि चक्र में करना चाहिए। त्वक जो है एक इंद्रिय है, उसके बाद में जो अंदर देखते हैं दूसरी इंद्रिय जो है वो रक्त है। रक्त इंद्रिय हृदय में होती है, वहाँ समूचा रक्त साफ होता है। तो उस रक्त को हम जब देखेंगे तो रक्त की इंद्रिय उसकी दूसरी देवता होगी, और उस देवता का नाम, उस शक्ति का नाम दूसरा नाम होगा, उस शक्ति का नाम उन्होंने कहा राकिणी शक्ति है।
फिर नाभि में आएंगे जहाँ हमारा भोजन पचता है, वहां सब सभी तत्व तुम्हारे अंदर मिलेंगे, जो बाहर है वही अंदर है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो बाहर संसार है पूरा प्रपंच तो अंदर भी देख लो आप, अंदर जो अग्नि तत्व है जिसको गीता में कहते हैं अहम बेस्वानुरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासित है, कि मैं सबके अंदर अग्नि रूप में होता हूँ और मैं सबका खाना पचाता हूँ। अगर पेट में अग्नि नहीं है, भूख नहीं है, खाना नहीं पचेगा, तो इसलिए अग्नि रूप में वो कहते हैं कि वो जो तत्व है वो हमारे अंदर पेट है, उसके अंदर वो कहते हैं मणिपुर चक्र है, पेट के नीचे हमारे जल तत्व है जिसको वो कहते हैं स्वधिष्ठान चक्र है, मलमूत्र वगैरह मूत्र वहीं रहता है, और वो कहते वरुण मंडल है, तो एक वरुण मंडल है, एक अग्निमंडल है, ऐसे पांच महाभूत जो है, वो पांचवा महाभूत है, अंतिम जो पृथ्वी तत्व है वो उन्होंने कहा कि वो मूलाधार में है। अब वो मूलाधार जो है वो मल का है, वो पार्थिव तत्व है, वो सबसे भारी तत्व है, तो आकाश से लेकर के हम क्रम से तले तो सात चक्र हुए, पांच चक्र हुए, विशुद्धि चक्र जो जहाँ से हमारी वाणी निकलती है, अनाहत चक्र, मणिपुर और ये चक्र थे, इन चक्रों में जो अंतिम जो चक्र है वो पृथ्वी का प्रतीक मूलाधार कहलाता है। कहते हैं वहाँ बहुत अंधेरा है, उस अंधेरे में हमारी जो चेतना है वो जीव की चेतना वहीं रहती है और वो सुप्त रहती है, जीव की चेतना वहीं सुप्त रहती है, उसे ही जगाना मंत्र का काम है। वो जगेगी कैसे, वो मंत्र से जगेगी। क्या मंत्र बोले कि चेतना जग जाए, तो कहते हैं वो जो गुरु देता है एक मंत्र, वही असली विद्या है। हम जो शास्त्र पढ़ते हैं सब लौकिक विद्या है, वो कहते हैं मुक्तिदा गुरु वागे का, मुक्तिदा गुरु वागे का विद्या सर्वा विडम्बना काष्ठ भार सहस्यु एकम संजीवनम परम, कि मुक्ति देने वाली एक गुरु की वाणी होती है, एक शब्द देता है, एक अक्षर देता है, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। जितनी विद्याएं वो पढ़ोगे उसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि वो विडम्बना है, वो खाली भटकाती हैं, इसलिए उनको हम अविद्या करें। विद्या को अविद्या क्यों करें, कि वो ये सब भटका रही हैं, एक ही विद्या एक ही अक्षर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गीता इसको स्पष्ट कर देती है कि ओम नित्य एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति, एक ही अक्षर पढ़ो ओम, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, कम से कम पढ़ो। ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो उनका वेद नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा ही पढ़ लो, खाली गायत्री मंत्र पढ़ लो। गायत्री मंत्र भी बड़ा लगे कि गायत्री मंत्र बहुत बड़ा 24 अक्षर है, और छोटा करो, तो उनका भूर्भुवः स्वः पढ़ लो, ये तीन चीज है अग्नि वायु और सोम, इनको पढ़ लो। तो ये भी बड़ा है तो ओम ही पढ़ लो, ये सबका बीज यही है, सब मंत्रों का पूरी वाणी का बीज ओम है। ओम में तीन अक्षर है, उपनिषद की व्याख्या करते हैं कि अ उ म, अ जो है वो अ उ और म, जो म है उसके पांच भेद हो जाते हैं, इसको हम पंचम वर्ण कहते हैं, ण न न, तो यमगण नम इसको हम बोलते हैं संस्कृत में, तो ये पांचों म के भेद हैं। उ जो है अ और उ को जब मिलाते हैं तो ओ बन जाता है, और इसको उल्टा करते हैं तो उ और अ को मिलाते हैं तो व बन जाता है। तो कहते हैं पूरी जो वर्ण मातृका है, पूरी हमारी वाक तत्व जो है वो इन वर्णों से बना हुआ है, और एक ही अक्षर मूल है, उसे हम कहते हैं ओम। हम जब सांस लेते हैं, जब सांस ले रहे हैं तो उसमें दो आवाज होती है, एक सांस लेने की, एक छोड़ने की। जब खींचते हैं और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक में है क्या होती है हम, और एक में सह, तो सह और हम, ये दो इसमें मूल ध्वनियां हैं। तो सह का अर्थ है कि हम छोड़ रहे, खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये दो आवाज आप सुन सकते हैं, तो ये दो आवाज है, इन दोनों आवाजों को भी हम शॉर्ट करते हैं सोहम, और सोहम को शॉर्ट करते हैं तो प्रणव बसता है। तो ये सब मंत्रों का मंत्र प्रणव कहा गया, कि समूचा भाषा का, तुम्हारी वाणी का और देवी का जो मूल तत्व है वो ओम है, और ओम में सभी भाषा है, वो सबका बीज है, इसलिए इसको ओम को कहते हैं। और ये हम जब तक जियेंगे, सांस चलेगी तब तक ये ओम की ध्वनि होती है। अब इसको लोग समझते नहीं कि क्या है, ये तो साउंड है, तो साउंड नहीं है, भौतिक दृष्टि से साउंड है, पर वो कहते हैं कि ये अजपा नाम गायत्री, तंत्र ने कहा कि अजपा नाम गायत्री, बिना जपे ही आप जप कर रहे हो, क्योंकि जो शक्ति आपको वहां से मिली है इसको प्राण शक्ति कहते हैं, वो बिना जपे ही आपको ताकत दे रही है, वो जब तक चलेगी जब तक आपका जीवन चलेगा, सांस जब तक चलेगी, और यही ओम की शक्ति है। तो ओम शक्ति से आपका जब तक संबंध है, तब तक आपके प्राण है, तब तक ये शक्ति चलेगी, तब तक अंदर भूख प्यास लगेगी, और जब ये शक्ति चली जाएगी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। तो ओम इसका मूल तत्व हुआ, और ये वाणी है, और वाणी को उनका मूल तत्व है, ये एक तरह से परा का रूप है, कि परा में एक वाणी रूप है, एक उसका ज्ञान रूप है और एक इच्छा रूप है। असल में जो परा है इसका हम विश्लेषण इसलिए नहीं करते कि परा में सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ परा से ही तो निकलेगा। तो परा वाणी जो है, वाणी का जो चार भेद करते हैं, परा वाणी जो है मूल वाणी है, और उस परा के कारण ही सब कुछ होगा, और वही इसलिए श्रेष्ठ विद्या या उत्तम विद्या कहलाती है। जो परा है तो वो श्रेष्ठ विद्या है, उसे वो तंत्र स्थापित करता है कि वो हमारे अंदर है, कुंडलनी में है, और उस कुंडलनी से हम उसको ऊपर ले जाते हैं शिव के पास,
ऊपर सहस्रार है जिसमें हजारों तरह की, उसके अंदर मैं उसको सहस्र कहा कि सहस्र हजारों हजारों जो हम वेदों में कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभू मृगंग सर्वतवा तैतिष्ठ दशांगुल पुरुष सुख में चारों वेद में सुख प्राप्त हो रहा है इस पुरुष के हजारों शीर हैं उसके हजारों ही हाथ हैं हजारों ही इसके पैर हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है? तो हम कहते हैं ब्रेन में सब कुछ है, वो पूरे शरीर में उसे कहते हैं करीब लाखों इसके अंदर नाड़ियां हैं हमारे शरीर में जो नाड़ियों का जाल फैला हुआ है सहस्रार में। तो क्या उस सहस्रार जो है उस सहस्रार में जो है हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे जब पंच महाभूतों से ऊपर जाएंगे तो मन बुद्धि पर जाएंगे, मन हमारे आज्ञा चक्र में है और मन के ऊपर जो है वो सहस्रार मानते हैं। उस सहस्रार के ऊपर भी उन्होंने कहा कि और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कि ब्रह्मरंध्र कहने का अर्थ है कि ब्रह्मरंध्र जो है उस ब्रह्मरंध्र में जाके हम पराग का ध्यान करते हैं जो एक तरह से निर्गुण और निरूप होता है। वहाँ कोई रूप ही नहीं है, वहाँ कोई स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है और वो है क्या तो उसकी व्याख्या हम इसलिए नहीं करते या कोई भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि व्याख्या इसलिए नहीं सकती कि वो न तो ज्ञान रूप है और वो न तो गुण है और न ज्ञाता है, कुछ नहीं है वहाँ, ज्ञाता भाव भी नहीं है और वो एक ही तत्व है इसलिए उसमें वो दृष्टा किसको देखेगा कोई क्योंकि अकेला ही अकेला अकेले को कैसे देखेगा। तो दृष्टा वो नहीं रहता, वो दृश्य भी नहीं है क्योंकि दिखाई भी नहीं देता। तो दृष्टा दृश्य दोनों नहीं है इसलिए वो कहते हैं कि वो क्या है, तो वो क्या है कि वो परम तत्व की व्याख्या इसलिए नहीं हो सकती कभी भी और वो इसलिए नहीं हो सकती कि वो किसी तरह से हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो जो संसार है वो ज्ञानात्मक है क्रियात्मक है इच्छात्मक है वो तो हम देख सकते हैं पर वो उसके ऊपर है। वो कहते हैं कि सवे न देवा सुरमित्य तिर्यग स्त्री न षंडो न पुमान जंतु नायं गुणम कर्म न सन्न चाशन निषेध शेषो दैतादशेष। ये जो श्लोक है ये भागवत का है गजेंद्र मोक्ष, मैंने श्लोक को बोला है गजेंद्र मोक्ष में हाथी प्रार्थना कर रहा भगवान के बारे में ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म तू है क्या? तो कह तुम देवता नहीं हो, न सवे न देवा सुरमित्य तिर्यग कोई देवता तुम नहीं हो, तुम असुर भी नहीं हो, दुष्ट भी नहीं हो, तुम मनुष्य भी नहीं हो, तुम पशु पक्षी जीव कुछ भी नहीं हो, तो तुम हो क्या? तो कहते तुम्हारी व्याख्या इसलिए नहीं हो सकती कि तुम कोई भी नहीं हो, न सवे न देवा सुरमित्य तिर्यग स्त्री तुम स्त्री भी नहीं हो, तुम पुरुष भी नहीं हो और तुम नपुंसक भी नहीं हो, तो फिर हो क्या तुम? तो तुम्हारे बारे में नायं गुणं कर्म न सन्नचासन, न तुम गुण हो, न तुम कर्म हो, न तुम सत हो, न तुम असत हो, सन्नचासन निषेध शेष हो जयताशेष है। कि अब तुम्हारी व्याख्या इसलिए नहीं कर सकते कि संसार की जितनी चीजें वो ब्रह्म से बनी है, ब्रह्म उनमें मूल कारण है, इसको निमित्त कारण या उपादान कारण कहें आप, तो वो सब ब्रह्म के ही विशेषण है, समूचा संसार उसी का ही व्याख्या है, तो इसलिए समूचा विश्व उसी की व्याख्या होती है, इसलिए सब कुछ उसमें है। हम ऐसे व्याख्या करते हैं तो भी अंत नहीं होगा कि संसार बहुत बड़ा है और तो कितनी चीज संसार में उतनी चीज ब्रह्म में होगी। अब हम दूसरे तरीके से व्याख्या करें व्यतिरेक से कि भाई क्या क्या उसमें नहीं है, तो भी हमारी व्याख्याएं अधूरी हो जाएंगी क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सब कुछ है, एक तरफ कह रहे हैं नहीं है। तो जैसे अथर्वशीर्ष या जो शाक्तों के ऊपर निषेध वो कहते हैं वो है भी नहीं भी है, वो है भी न सत है न असत है, वो दोनों से भिन्न हो जाता है कि सदरूप असतरूप, क्योंकि वो निर्गुण तत्व कहा, निर्गुण कहने का अर्थ है कि उसमें कुछ तत्व बचे ही नहीं। इस तरह से जो उन्होंने अपनी बात कही और जो निर्गुण और सगुण की बात कही, तो जो परा और पश्चंती कही, और ये परा पश्चंती जो थी, परा की हमने बात की, तो परा जो तत्व है और वो परम तत्व जो है उसको हम कैसे कहें? तो न तो निषेध भाव से कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं है ये भी हम नहीं बता पा रहे, तो भी उसका अंत नहीं हो रहा है, क्या क्या है ये बताएं तो भी अंत नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अरूप तत्व है, रूप भी है, समुच्चय नाना रूप भी तुम ही हो। जब तुम ये कह रहे हो गीता में, जब कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं हूँ, मैं महीना भी मैं हूँ, ऋतु भी मैं हूँ, पेड़ भी मैं हूँ, पौधा भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ। तो कृष्ण जब विश्व रूप में कहते सब कुछ मैं हूँ और फिर कहते मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि ये व्याख्या करने की नहीं है, ये केवल समझने की है कि वो तत्व विलक्षण तत्व है, इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। केवल हम उसको जाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, वो शब्द या तंत्र है। तंत्र वैदिक वेद भी तंत्र हैं, पुराण भी तंत्र हैं, और स्मृति भी तंत्र है, और जो हमारा बाद में जो तांत्रिक साहित्य निकला जिसके अंदर शाक्त तंत्र शैव तंत्र, तो जितने भी हमारे दार्शनिक हुए उन्होंने सबने तंत्र का सहारा लिया, चाहे वो कश्मीर की परंपरा हो, उन्होंने शैव दर्शन कह दिया उसे, कुछ लोगों ने शाक्त दर्शन किया, पुराणों का भी ये मार्कंडेय पुराण है, ये ब्रह्मांड पुराण है, ये ललिता देवी है, उन्होंने वैष्णवों ने कहा ये विष्णु पुराण है, तो उन्होंने पुराणों को साहित्य लिया कि पुराणों से हमने आधार लिया। तो जितने वैष्णव हुए आचार्य हमारे, उन सब ने कि अब भगवान की उपासना हम कैसे करें, तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भाई मैं उसको बालक रूप समझता हूँ, श्रीनाथ जी की पूजा करता हूँ,
कि बालक बड़ा प्यारा होता है, मैं उसके बाल रूप में उपासना करूंगा और उससे मेरा कल्याण होगा। चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं उसको कांता भाव में देखता हूँ, वो और हम सब उसकी कांता है और वो हमारे लिए पति है। जिस तरह स्त्री अपना सब कुछ पति के लिए समर्पित करती है, हम उस परम तत्व के लिए करेंगे। तो उन्होंने कांता भाव की उपासना की, किसी ने राम के रूप में देखा, किसी ने कृष्ण के रूप में देखा, किसी ने मीरा ने अलग रूप में देखा। तो सब ने, जितने भी दार्शनिक हुए, उन सब दार्शनिकों ने अपने ज्ञान को छोड़ दिया, उपासना में आ गए। और उपासना करने पर ही ये समझ में आएगी ये चीज, क्योंकि गीता इसको कहती है कि पापी चे दुराचारी धत्ते माम अनन्य भाग, कि जो पापी हो, दुराचारी कोई भी हो, पर अगर वो मेरे पर आ जाता है अनन्य भाग, यानी सब कुछ छोड़ करके वो मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, तो मैं उसका कल्याण कर देता हूँ, कि मैं उसको मुक्ति भी देता हूँ कि ले मुक्ति, परम विद्या का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, पर तुम्हारा समर्पण मेरे प्रति होना चाहिए। इसमें तो मुख्य बात है तंत्र में कि आपका अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। वो समर्पण होना चाहिए, शरणागति या प्रपत्ति से भक्ति कहते हैं, वो आपकी अगर है तो आपके वो धर्म अधर्म का प्रश्न वहां नहीं लगता और वो पूरा मुक्ति का मार्ग उसको दे दिया जाता है। ये गीता इसको इस तरह से तंत्र की व्याख्या में वो समझा देती है कि गीता भी एक तंत्र है, गीता भी तंत्र की बात कर रहा है, इसका जो प्रधान विषय तंत्र ही है। क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कह देते हैं इमम विवसुते योगम प्रोक्तवानहोव्यम, ये सब बहुत पुराने योग हैं, ये तंत्र भी उतने पुराने हैं जितने वेद हैं, ये कभी कभी ये लुप्त हो जाते हैं और फिर कभी जब इनकी जरूरत होती है तो ढूंढ लेते हैं लोग, तो ऐसे वेद भी कभी लुप्त हो जाएंगे, फिर वेदों को ढूंढ लिया जाएगा, कभी पुराण लुप्त होंगे, तो ये संसार में चलते रहते हैं। ये सब शाश्वत हैं, सभी जो तंत्र वो शाश्वत है, उसको ऐसा नहीं समझें कि आप ये कोई किसी ने अभी नहीं बना दिया, ऐसा नहीं है, तंत्र भी उतना ही पुराना है जितना वेद है, तो इन सब का एक अभिनाभाव संबंध है। इस तरह से मैंने अपनी बात रख दी, मेरा समय हो चुका है, और जो भी आप प्रश्न करें, अगर जहाँ तक अभी बात करेंगे हम करेंगे, बाकी मैं आपको फोन नंबर दे सकता हूँ जिसमें आपको अगर कोई जिज्ञासा हो कर सकते हैं, तो वो आप आशुतोष से ले सकते हैं। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे धैर्य से सुना, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ साझी की हैं, बहुत सारे पक्ष आपने हमारे साथ ऐसे साझे किए हैं जो सामान्य रूप से लोगों की जानकारी में नहीं होते, और मैं जानता हूं कि ये विषय बहुत व्यापक है, जिसमें लिंग्विस्टिक्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें एस्थेटिक्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें फिलॉसफी भी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो इसमें समाहित ना होता हो, और सारे के सारे विषय को एक साथ शेयर करना, मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही दुष्कर कार्य है, और मुझे लगता है कि मैंने काफी ये एक क्या कहूँ कि आपके साथ एक ज्यादती ही की है, कि क्योंकि ये कई विषयों में अलग अलग दिनों में अलग अलग पक्षों के ऊपर चर्चा अपेक्षित होती है ऐसे विषयों पर, लेकिन आपने एक ओवरऑल जो व्यू हमारे साथ साझा किया है उसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और उससे पूर्व कि मैं कुछ एक प्रश्न आपसे आमंत्रित करूं, और मैं लिंक जल्दी ही शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, लेकिन कुछ एक बातें और शेयर करके फिर मैं डॉक्टर साहब से भी दो तीन बातें जानना चाहूंगा, और आप लोगों के साथ ये कुछ एक सूचनाएं शेयर कर रहा हूं। जहां पर मैंने बात छोड़ी थी और डॉक्टर साहब ने आगे बहुत सारी चीजें की थी, कि तंत्र में दो चीजें हैं, तंत्र का संबंध जो दिया हुआ है, एक तो है प्रदत्त और एक है प्रतीक। पीयूष जी ने वो लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग भर सकते हैं, और कृपया सावधानी से भरिएगा अपना पूरा एड्रेस, कल भी आप लोगों की वजह से ही आप लोगों के सर्टिफिकेट रुके हैं, तो कृपया उसको पूरा ढंग से भरिएगा। तंत्र में दो चीजों के का संबंध बताता है कि जो प्रदत्त है, जैसे आपको माता पिता से लेकर के आपको पंच महाभूत ये दिए गए हैं, प्रकृति आपको दी गई है, और उसके लिए आप अपना व्यवहार करने के लिए कुछ प्रतीकों का निर्माण करते हैं। अब इन प्रदत्तों और प्रतीकों के संबंध को तंत्र व्याख्यायित करता है, मैं अभी इसमें ज्यादा स्पष्टीकरण में नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब ने किया है। अब हमारे सामने जो समस्या अक्सर आती है, जिसकी डॉक्टर साहब भी बार बार बात कर रहे थे, और जो फोकस किए जाने वाली बात है, हमेशा समझी जाने वाली बात है, कि तंत्र का एक ये रूप है, और मैं समझता हूँ कि आज डॉक्टर साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है, अघोर विद्या वाला, एक ये प्रेम का संबंध है, एक ये बिल्कुल अध्यात्म का संबंध है, एक ये बिल्कुल मिस्टीरियस, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं
और जो ये वाला पक्ष है जहां पर वो वशीकरण मारण उच्चाटन आदि आदि इस तरह की बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे पक्षों के साथ मिला हुआ, इसमें बहुत सारे पक्ष मिले हुए हैं तंत्र में। तो ये सहज नहीं था कि डॉक्टर साहब ने तो अपना पूरा जोर लगा दिया है, अपने पूरा ज्ञान, अपनी पूरी शक्ति और अपना जो उनके अर्जन था वो हम बड़े सहज रूप में ले रहे हैं और वो बड़े सहज रूप में हमें दे रहे हैं। वो उसके लिए तो उनका जितना हम आभार व्यक्त करें मैं समझता हूँ कि वो कम ही होगा। डॉक्टर जो बीच में बात कर रहे थे वो ये श्री यंत्र है जो बेसिक है, जो मूल आधार है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्पष्ट नहीं हो सकता कि किस तरह से दुनिया भर की जो कॉन्ट्रडिक्शन है, समाज की कॉन्ट्रडिक्शन और व्यक्ति की अपनी जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है उनको रिजॉल्व करने का ये काम श्री यंत्र करता है। ये आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स को अगर आप देखें, कभी समझने की कोशिश करें साइकोलॉजी फिजिक्स और बाकी साइंसेस की ओर से, तो इससे ज्यादा बेहतर आपको कुछ और मिलने वाला नहीं। तो इसके बीच में जहां आप खड़े हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, जहां पर ये बिल्कुल एक सेंटर में आप जो देख रहे हैं पॉइंट सा, ये आप हैं और ये सारे का सारा आपका पूरा व्यक्तित्व तो है, पूरा ब्रह्मांड आपका है। तो सारे के सारे तंत्र की जो यात्रा है वो तंत्र की यात्रा है अपने स्व से ब्रह्मांड तक की और ब्रह्मांड से स्व तक की। तो कुल मिलाकर के ये मैं आप लोगों के साथ कुछ एक बातें जो थी स्लाइड्स मैंने शेयर नहीं की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और आप लोग जो है अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी है वो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। हालांकि सबसे रुचिकर एक तो प्रश्न जो है मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर एक संक्षिप्त से टिप्पणी डॉक्टर साहब करें और फिर आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि ये जो बीज मंत्र होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मजेदार प्रश्न है जो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, म्यूजिक वर्ग के लोग हैं और जो साइकोलॉजी के लोग हैं उन सभी के लिए बड़ा रुचिकर प्रश्न हो सकता है कि जो हम बीज मंत्र बोलते हैं रंग फंग शंग ठंग, अब ये अलग अलग ध्वनियों का क्या अर्थ होता है और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बताते हैं हमारे भीतर किन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को, किन्हीं चक्रों को, या क्या चीज है ये, इसके पहले एक टिप्पणी करें और फिर हम कुछ एक प्रश्न लेंगे जो भी श्रोताओं के होंगे। आपने सर इसमें मूल जो प्रश्न था कि एक प्रतीक था जी और हमारा जगत से संबंध जोड़ा और एक आपका जो मूल इसमें बात थी कि बीज मंत्र है ना जी जी, तो उन्होंने कहा कि हम जो उपासना करते हैं वेदों में क्या था कि हम पूरे मंत्र की उपासना करते थे, पूरे वेद याद कर लेते थे और पूरे वेद को एक शब्द माना जाता था कि पहले शब्द अक्षर से लेकर लास्ट तक ऋग्वेद पूरा एक शब्द कहलाता था, तो इसीलिए इसको संगीता पाठ कहते थे, संगीता पाठ कहते थे पूरा वेद एक ही शब्द है, तो वो बड़ा मंत्र था और वो युग धर्म में लोग उतना बड़ा मंत्र याद ही नहीं कर सकते अब तो उसको कैसे पाठ करेंगे, हर आदमी क्यों करेगा, स्त्रियां कैसे करेगी, तो उनके लिए समस्या आएगी, तो उनका बीज मंत्र छोटा मंत्र लेते जाएं और एक तरह से युग धर्म में ये मंत्र छोटे होते जा रहे हैं। तो वैदिक मंत्र जो होते बड़े बड़े होते हैं, जगती छंद पंक्ति छंद तो बड़े बड़े छंद है और उनका उच्चारण उदात अनुदात स्वरित से मिलता है, तो उदात अनुदात स्वरित के कारण उनका उच्चारण थोड़ा सा सीखना पड़ता है और वो कठिन हो जाता है। तो वैदिक मंत्र के बाद में पुराणों ने मंत्रों को कहा कि भी थोड़े छोटे कर दो और ये सबके लिए कर दो। वैदिक मंत्र केवल त्रैवर्णिक थे तो उन्होंने मंत्रों का सरलीकरण कर दिया और कहा कि आप यही सूर्य सहस्रांश यही बोल दो ना, यही सूर्य सहस्रांश तेजो राशि जगत थे अनुकंपय माम देव भक्ता घृणर के दिवाकरम, कि मैं सूर्य को अर्घ दे रहा हूँ तो मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, तो ये सरल मंत्र कर दो, तो उन्हें हम अनुष्टुप छंद में कर दो, तो सरल मंत्र कर दिए। फिर भी लोगों को लगा ये मंत्र बहुत बड़े हैं और छोटे करो, तो उन्होंने नाम मंत्र की बात की कि नाम मंत्र आ जाए तो और सरल हो जाए कि रामायण में कृष्णायण में बोलना शुरू करो। तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि रामानुज जो थे उनके गुरु के पास हो गया कि साहब मुझे आपका मंत्र बता दो एक, इसको तारक मंत्र कहते हैं। रामानुज ने कहा तारक मंत्र चाहिए, तो रामानुज के गुरु ने कहा तारक मंत्र चाहिए मैं दूंगा नहीं, और कई दिन उसको घुमाया कि एक दो साल घुमाया, फिर बोला कि तारक मंत्र दिया और कहा कि मंत्र बोलना मत किसी को बताना मत, ये तेरे को मैंने गुरु मंत्र दे दिया है। तो तारक मंत्र क्या था, तो रामानुज ने कहा कि ठीक है, रामानुज ने समुचे गांव वालों को इकट्ठा किया कि तारक मंत्र सुन लो फ्री में, तो गुरु जी भाग के आए क्या कर रहा है तेरे को, तो दिया था तेरे लिए, तू जगत का कल्याण करने लग गया, तू गलत कर रहे हो। तो रामानुज कहते हैं कि देखिए गुरु जी आपने मंत्र इतने दिन घुमा के दिया मुझे और ये सत्य के साथ दिया कि किसी को बताएगा नहीं और बोलेगा भी नहीं, तो मैं तो इसको बोलूंगा, अब पाप होगा हो जाए, किसी का भला हो तो मैं बोलूंगा। और रामानुज ने मंत्र बता दिया कि मंत्र ओम नमो नारायण है, यही मंत्र तारक मंत्र है।
अब ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, ये तारक मंत्र है और इससे सब काम आपके हो जाएंगे, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये तारक मंत्र है। और ये उनका पूरा दर्शन था कि जैसे छपाई क्यों जा रही है बात, जगत कल्याण का था। आशुतोष सर, मैडम जरा दो मिनट धैर्य रखें, कर लेते हैं इसको। उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने कहा कि ये मंत्र बड़ा है, कलयुग में रामायण में भगवते वासुदेव 12 अक्षर का मंत्र, 16 अक्षर का मंत्र, तो उन्होंने कहा एक एक अक्षर का ये मंत्र ले लो। तो उन्होंने कहा जितनी भी हमारी वर्ण मात्रिका है जितने अक्षर है उनके सबके अनुसार लगा वो मंत्र बन जाएगा। और इन मंत्र का उच्चारण जब हम करेंगे तो उच्चारण करते हैं तो उनका एक स्थान होता है, जैसे व्याकरण वाले सब जानते हैं कि कंठ कंठ में तालु में जहाँ वो प्रकट होते हैं, पर वो पैदा कहाँ होते हैं तो उनका एक षट चक्रों में पैदा होते हैं, विशुद्धि चक्र में 16 अक्षर पैदा होते हैं और वहां से ये शुरू होते हैं, इनका मूल बीज वहाँ प्रकट तो सब कंठ में आके होंगे। मान लीजिए स्वर जो है वो अलग अलग स्थान पर होंगे, कंठ से होगा ई कहीं से तालु से होगी, प्रकट तो वहां हो रहे, पर इनका उद्गम स्थान क्या है तो वो षटचक्र है और शरीर के जिस स्थान से ये वर्ण चलते हैं वो बीज मंत्र कहलाते हैं। ये जो बीज मंत्र हैं, ये जो बीज मंत्र हैं, ये मतलब पराशक्ति का एक एक अंश है और इस मंत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मंत्र भी आपने पढ़ लिया तो नित्यासोर शिकारों में करते हैं कि यदक्षरे एक मात्रे पी संसिद्धे स्पर्ते नर रविता छिंदु कंदर्प शंकरानल विष्णु भी। अगर आपने एक अक्षर सिद्ध कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके सामने कुछ नहीं करेंगे, उनसे टक्कर दोगे आप जा करके। यदक्षरे एक मात्रे पी संसिद्धे स्पर्ते नर, कि मनुष्य इतना शक्तिशाली होता है अगर आपने एक मंत्र को लाखों बार जप लिया तो वो सिद्ध कहलाता है। तो बीज मंत्र उनका सिद्ध करो, सिद्ध करने से क्या फायदा है कि अपने मन को पहले नियंत्रण में करें और उसमें लाख बार उसको जपें सब कुछ भूल करके। हम सब कुछ भूलते नहीं है, ये समस्या रहती है, संसार याद रहता, मंत्र एक दो बार बोलते बोर हो जाते हैं, कौन पढ़ेगा इसको। तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होते, पर जैसे मंत्र को सिद्ध किया जाए तो चमत्कार करता है और जो भी उसकी हर मंत्र का एक चमत्कार है वो प्रकट होने लेता है। ये इसका मतलब निचोड़ है, बीज मंत्रों का उद्देश्य यही है। और प्रतीक तो प्रतीक भी जैसे हमने शब्द से या वर्ण मात्रिका से हमने ब्रह्म को समझना, वैसे किसी भी प्रतीक से उन्होंने उस चीज को समझ लिया। तो प्रतीक जो एक माध्यम होता है उपासना का, उसको प्रतीक उपासना कहते हैं। प्रतीक के रूप में किसी चीज की उपासना करें, हम कुछ बनाएं, पूजा किसकी करेंगे, हम जल की पूजा करेंगे तो प्रतीक चाहिए, जल की पूजा करें या अग्नि की करें या हम वायु की करें या मूर्ति की करें या यंत्र की करें। तो उन्होंने एक उसका रूप माना कि एक मंत्र आधार होगा और एक रूप, दो तत्व नाम और रूप। तो रूप जो है वो प्रतीक होता है, आकार होता है, और नाम जो है वो शब्द होता है, उसमें वैसा आकार नहीं होता, केवल ध्वनि होती है। तो ध्वनि और आकार दोनों मिलकर के ही हमारे को रास्ता देते हैं और हमारी प्रतिभा को हमारे उसको निष्का हमें जो परिष्कृत यही करते हैं, यही बात मैं कहूंगा। जी जी सर, धन्यवाद। और दोनों बातें आपने बड़े अच्छे से स्पष्ट की हैं कि प्रतीकों और प्रदत्तों के संबंध को तंत्र कैसे व्याख्यायित करता है, और ये जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र जो है वो क्या क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इनके और भी कई साइकोलॉजिकल डायमेंशन होंगी, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डायमेंशन अवश्य होंगी, क्योंकि जो वो किस तरह से आपके नर्वस सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं जब आप प्रसक प्रेम जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं या ठंग शब्द का बीज मंत्र का उपयोग करते हैं तो कैसे आपके नर्वस सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं, ये चीजें जानना आपका रुचिकर रहेगा। और मुझे लगता है कि इस पे हमें कभी भविष्य में भी चर्चा करनी चाहिए बीज मंत्रों पे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है और कोई टिप्पणी है तो आप लोग कर सकते हैं, या कुछ कि अभी बौद्धों के जो तंत्र है और जैनों का तंत्र वो अभी हमने नहीं स्पर्श किया है, तो भी अपने पक्ष है। हेलो हेलो जी जी हेलो मनमोहन जी जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न था कि मान्यता ये है आमतौर पर कि गुरुमुख से ये बगैर बीज मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, इस विषय में आप क्या मार्गदर्शन करेंगे। जी डॉक्टर, मतलब बीज मंत्र जो है गुरु से देना चाहिए। हाँ, बीज मंत्र जो है गुरु से लेना चाहिए, क्योंकि जो पुस्तकों से विद्या ली जाती है वो मृत विद्या कहलाती है। बीज को चैतन्य कहते हैं कि मंत्र चैतन्य जब होगा कि वो उससे हो व्यक्ति छपा है। इसमें मतलब वो बड़ा विद्वान ऐसा नहीं है को जपा हो मंत्र
जो रोज जपता हो वो अगर मंत्र देता है तो जीवित मंत्र कहलाता है, वो चैतन्य मंत्र है। और बाकी जो पुस्तकों से मंत्र उठाते हैं कि किसी मंत्र को हमने उठा लिया पुस्तक से हेलो और हमने उसका जो किया तो सफल नहीं होता, इसलिए इसमें गुरु की भूमिका रहती है और गुरु जो हो वही हो जिसने उस मंत्र को जपा हो। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब। विनय कुमार जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, विनय कुमार उपाध्याय। हेलो 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 कल से मैं चर्चा सुना उसमें एक मेरा जिज्ञासा है कि जो चित्त चित्त की चर्चा कहीं नहीं आई है, मन बुद्धि अहंकार चित्त जो बोला जाता है चित्त क्या भूमिका है उसकी? डॉक्टर प्रश्न है ये कल रह गया था, चित्त के ऊपर चर्चा नहीं हुई योग दर्शन के चित्त पर, तो उसके भी एक संक्षिप्त सी टिप्पणी करके उसके बाद फिर हम विवेक शर्मा जी का पक्ष सुनेंगे कि उनका क्या कहना है। चित्त जो है उसे हम पराशक्ति कहते हैं, चित्त पराशक्ति तो स्वतंत्र वो जो स्वतंत्र शक्ति है उसको चित्त कहते हैं। तो चित्त में जो है चित्त शक्ति वो पराशक्ति कहलाती है और योग में हम जो चित्त वृत्तियां कहते हैं कि पांच तरह की चित्त वृत्तियां हैं, प्रमाण प्रमाण विपर्य निद्रा स्मृति, तो ये पांच तरह की वृत्ति मानी उन्होंने। तो ये जो पांच तरह की वृत्तियां हैं, पांच तरह का हमारा चित्त रहा, पांच तरह की वृत्तियां योग सूत्र बता रहा है, प्रमाण वृत्ति विपर्य वृत्ति और वो कहते हैं कि विकल्प वृत्ति। तो विकल्प वृत्ति जो वो एक तरह से शब्द से संबंध है कि जो वस्तु है ही नहीं संसार में, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु संयोग विकल्प है कि वो ज्ञान शब्द से तो होता है पर वस्तु दुनिया में नहीं होती है। तो मंत्र जो है वो एक तरह से वस्तु विकल्प की बात करता है, जो स्वप्न की बात करता है उसे उन्होंने स्वप्न कहा। असल में ये जो प्रश्न है कि जो हमारा चित्त है उस चित्त की या आत्मा की हम चित्त और चित्त में आत्मा में कोई भेद नहीं करते और हमारी आत्मा की तीन अवस्थाएं हमने बताई है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था जो है आप सुन रहे हैं मेरी बात, कईयों को सुन रही है कईयों को नहीं सुन रही है, कईयों को समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है तो उस समय उनका चित्त जो है वो उसमें ध्यान नहीं है उनका। हम कहते हैं इसका ध्यान नहीं है, ध्यान और कहीं है, उसका ध्यान है कि मैं फारा करूँ ये करूँ मेरा काम हुआ मेरे को निकलना है, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं बोल रहा हूँ उसके कान में जा रही है पर उसको सुन नहीं है क्योंकि उसका चित्त और कहीं है। तो चित्त को जब तक हम एकाग्र नहीं करेंगे तब तक तंत्र कहता है उस चित्त को ही तो हमें समझना है कि चित्त क्या है। और इसलिए जो गीता में ये प्रश्न उठाया था उन्होंने कि संतुलमे मन कृष्ण परमाथी बलवद्रम, तो मन से ऊपर जो चित्त है मन बुद्धि अहंकार इन तीनों का जब समन्वय होता है तो उसे हम चित्त कहते हैं। चित्त में तीनों चीज आ जाती है कि मन बुद्धि और अहंकार, तो हमारे अंदर की जो पूरी चेतना है उस चेतना का रूप जो सम्मिलित रूप चित्त कहलाता है। और जैसे ये वृत्तियां पर असल में एक ही चीज है, इसके हम चार नाम कर लेते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं संशयात्मक हूँ विकल्पात्मक हूँ तो मन कहलाता है, जब मैं निश्चयात्मक हूँ कि मैं निर्णय कर रहा हूँ और मैं अवधारण कर रहा हूँ तो मैं बुद्धि हूँ, और मैं जब करता हूँ कि मैं कर रहा हूँ मेरी इच्छा शक्ति और स्वाभिमान रहता है अहम करता तो अहंकार हो जाता है। तो ये सब चित्त के ही भेद हैं और वो चित्त उन सबका समन्वय है और उसे ही कहते हैं। धन्यवाद। हाँ जी सर, विवेक जी आप कुछ विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो श्रोता के रूप में हूँ। अच्छा, मैंने कहा मैं आपका माइक अनम्यूट देखा तो मैंने कहा कि रोहताश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ। जी हाँ जी पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस व्याख्यान में चारों युगों का जिक्र आया है, त्रेता का, द्वापर का और कलयुग का। जी जी जी। गुरु जी ने ये बताया कि सतयुग को वैदिक तंत्र से जाना गया और त्रेता युग को स्मृति तंत्र से जाना गया, को प्राण तंत्र से जाना गया, चौथा युग में जो कलयुग आया वो किसी मुस्कुल तंत्र से जाना गया। सर मेरा ये है, अरे क्या क्या चीज घटती आ गई, जैसे वहाँ सतयुग में यज्ञ था, स्मृति तंत्र में शक्य था, त्रेता युग में और द्वापर युग में था, एक बार हल्की सी रोशनी उन चारों युगों पर बता दे ताकि मैं लिख लूं, प्लीज सर। ये मजेदार प्रश्न है डॉक्टर। और रोहताश जी वैसे तो मैं चाहूंगा कि भाई कलयुग के लिए ना काली तंत्र का ही उपयोग किया जाए बड़ा अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी जो गंभीर उत्तर है वो ही
ये तो एक नहीं, मेरे को क्या प्रश्न, थोड़ा सुना नहीं है, बताइए आप। तो ये कह रहे हैं रोहतास से, ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपने चारों युगों के संदर्भ में तंत्र की बात की है, उसमें जो कलयुग का है, कृपया अनिल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट, प्लीज माइक म्यूट कीजिए अनिल जी, ऐसे अनाचार ना करें। तो चारों युगों में जैसे कि वैदिक, जब सतयुग था तो वैदिक तंत्र था, और उसके बाद अब कलयुग आया, तो कलयुग में कौन सा तंत्र जो है वो प्रभावी है? तो मतलब मुख्य रूप से ये इनके प्रश्न का सार ये है कि चारों युगों के चार तंत्र हैं, तो ये कलयुग में कौन सा तंत्र जो है उसको फॉलो करें? नहीं, कलयुग में बहुत से तंत्र हैं, जो भी आप मतलब पसंद है आपको तंत्र ले सकते हैं। उन्होंने बहुत से रास्ते खोले हैं कि एक रास्ता नहीं है हमारे पास, बहुत से रास्ते हैं। आप जिससे भी तंत्र जाएं, कि जैसे आपकी इच्छा मान लीजिए, आपकी इच्छा मान लीजिए धन कमाने की होती है, तो आप लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी का तंत्र कमला तंत्र चलेगा। आपको अपने को अपने शत्रुओं का नाश करना है तो कहते हो अगला बगला मुझे है, वो करिए कि आपको अंदर बाहर शत्रु उनको नाश करना है, तो उनका तंत्र अलग होगा। काली तंत्र जो है वो संघात है, तमोगुणी है, तो बीमारी दूर करने तो काली काम आएगी, तो वो संसार में जो नाश करना है तो काली तंत्र इसमें चलता है। तो कहते हैं ये तंत्र जो इनका एक अपना क्षेत्र है कि जब विद्वेष करना है तो धुमावती आएगी इसमें, और जब धुमावती जो है वो एक तंत्र अलग है, विद्वेष का तंत्र है। तो आपको करना क्या, हर व्यक्ति इच्छा अलग अलग होगी, वो एक जैसे नहीं होते कि कोई संहार चाहता है और कोई स्थिति चाहता है, कोई स्थिति चाहता है। तो उनके तंत्र ये काली और तीन रूप हम करते हैं, शक्ति के प्रधान रूप की काली, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। तो आपको चाहिए क्या, लक्ष्मी चाहिए तो आप महालक्ष्मी की तरफ जाएं, सरस्वती चाहिए तो सरस्वती की और काली की। अब आपका जो गुण है, उन तीनों गुण में जो गुण हावी होगा वही आपको पसंद करना है। किसी को चाहिए मुझे यह नहीं कि मुझे हनुमान जी की शक्ति चाहिए और मैं हनुमान जी की भक्ति करनी, तो हनुमान जी का तंत्र है। तो हर तंत्र है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि एक दो रास्ते हैं, हर गुरु एक रास्ता ही देता नया, और एक नया तंत्र निकलता है कि यही तंत्र है। तो कोई विष्णु तंत्र, वैष्णव तंत्र भी है, शैव तंत्र भी है, सौर तंत्र भी है, कम से कम उन्होंने कहा कि 6 तरह के तंत्र हमारे सामने हैं। और इसमें ये भी माना कि जैनियों का तंत्र भी है और बौद्धों का तंत्र भी है। तो अरहत दर्शन करके और विद्यारण्य कहते हैं कि इनका भी एक तंत्र है और इनके भी देवता हैं। तुम्हारे जो 6 देवता मुझे माने हैं उन्होंने कि 6 देवता हैं, 6 उनके तंत्र हैं। एक ब्रह्मा का तंत्र सौर, ब्रह्मा का तंत्र है उसे वेद कहते हैं। जो विष्णु का जो तंत्र है उसे वैष्णव दर्शन कहते हैं। वैष्णव के तंत्र अलग हैं, वैष्णु के बहुत से वेद हैं, 24 अवतार तक विष्णु के मिलते हैं उनमें, तो वैष्णव तंत्र कहलाता है। शिव तंत्र है, जो शैव तंत्र इसके बहुत से वेद हैं और वो कहते हैं एक तीसरा तंत्र शैव तंत्र हो गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जो थे ये सृष्टि को उत्पत्ति स्थिति करने वाले, इन तीनों के इंसानों की शक्तियां हैं, आप इसकी उपासना करना चाहें कर ले। अब वो कहते हैं कि एक तारा देवी है, तो तारा देवी जो है उसका जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन कहलाता है। तो वो बौद्ध दर्शन जो तारा का है अलग तरह का दर्शन है। एक उनका भुवनेश्वरी है, तो भुवनेश्वरी का जो दर्शन है वो शाक्त दर्शन कहलाता है। तो 6 दर्शन है ये विद्यारण्य ने अपने त्रिविद्यारण्य में पढ़ लिया कि 6 तरह के हमारे दर्शन है। तो 4 तो ये देवता है और 2 देवी के रूप हैं। तो एक को भुवनेश्वरी कहते हैं और एक को तारा कहते हैं। ऐसे इनको कोई कहता है एक श्री विद्या काली है और एक महा, ऐसे भेद करते हैं। तो जो भी तंत्र आपको पसंद आए आप इसमें चयन कर सकते हैं। हर तंत्र अपना काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यही आपको विश्वास चाहिए तभी आप इसमें सफलता पाएंगे। जी, वैसे भी डॉक्टर रोहतास जी जो हैं वो अध्यापक हैं, अध्यापन के साथ उनका संबंध है, तो मुझे लगता है सारस्वत तंत्र जो है उनको फॉलो करना चाहिए। और रोहतास जी आप डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं इस विषय के और गहन जिज्ञासा के लिए। एक प्रश्न था, उसके बाद मैडम डिंपल की समस्या को हम हल करेंगे। एक प्रश्न भी, आपका भी प्रश्न है? जी सर जी, जी हाँ गौरव जी आप कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं मैडम अनीता का प्रश्न रखूंगा। जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है और बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं या मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, तो उसके लिए किस प्रकार की मंत्र विद्या पर या आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए या मानसिक ग्रोथ के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें कौन से बीज मंत्रों का पढ़ना चाहिए या अपनाना चाहिए? जी डॉक्टर, कि कोरोना में जो डिप्रेशन आ रहा है, कोरोना की वजह से लोगों में, समाज में जो डिप्रेशन आ रहा है या मानसिक अस्वस्थता आ रही है, तो कौन से ऐसे बीज मंत्र हैं जिनका हमें प्रयोग करके जो है स्वस्थता का लाभ?
तंत्र में ये माना कि आप इच्छा से नहीं चले तो ठीक रहे, कामना नहीं करें, और कामना के लिए अगर मंत्र का तो कहते हैं कि मंत्र निष्काम होना चाहिए। निष्काम दो तरह के, अगर आप कामना लेके मंत्र लेंगे तो कामना पूरी हो जाएगी, पर वो मंत्र जो आपका दुश्मन हो जाएगा। कि अगर आपने कामना लेके मंत्र को जपा कि मेरी ये कामना पूरी करो, तो वो भक्त अपनी इच्छा के लिए आया, वो मंत्र की उपासना नहीं कर रहा है, वो तो एक धोखा देने आया है कि मेरी कामना पूरी कर दो। तो भगवान देखते हैं काम करवाने के लिए आया, अपना काम करते भाग जाए गए, तो ये अपना साधक थोड़ी हुआ, ये भक्त थोड़ी हुआ। भक्ति में ये पसंद नहीं कर सकते कि आप मेरी इच्छा पूरी करो, आपको कृपा छोड़ने की, आप हनुमान जी के भक्त हो गए और अब आप वो करेगा क्या करना है। क्योंकि जो कोरोना है वो खुद देवी है, वो कहते हैं कि उसमें रहस्य में कहते हैं कि महाकाली महामारी लिखा, ये जो देवी का रूप था वही पसंद होती है, वही सुल्तानी की जाती है, वही जो शक्ति है, वो कोरोना भी एक तरह देवी है। तो वो ऐसा नहीं है, वो तमोगुण की दर्द होती है तो संसार में आने के लिए है, उसके लिए आपको मतलब अगर ये माने कि इस मंत्र को मैं जपूं, इस विधि को करूं, इस सिद्धि को, तो वो करे तंत्र का असली उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य कि आप जो भी करें आप उस पर छोड़ दीजिए, वो अपना पड़ेगी कि इसमें, क्योंकि करना उसको है, और आप जबरदस्ती कराएंगे मंत्र पढ़ेगा कि मेरा ये काम कर दे भाई, तो कहते वो भक्ति जो सकाम भक्ति हो जाती है। और सकाम भक्ति में क्या है, व्यक्ति को थोड़ा भला होता है फिर नुकसान ज्यादा हो जाता है। आप कहोगे शत्रु नाश कर देंगे, फिर आपका भी नाश कर देंगे साथ में। मुझे ठीक है बात डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं जी जी तो कई तांत्रिक इसलिए पिट जाते हैं कि लास्ट में वो उनका वैसे तो सकाम भक्ति करेंगे हम छोड़ दें उस पर, और हम तो ये मानते हैं कि वो जो है वो अपने आप कर देगी, उसको जो करना है उसका काम है। जैसे बच्चे को चिता करते हैं, बच्चे को चिता नहीं करते, माँ बाप अपने आप करेंगे, जो भी होगा तो माँ बाप बता रहे, अगर माता है माता अपने आप सल्टे की, जगन माता है वो अपने आप देख लेगी क्या समस्या, वो अपना दूर कर देती है, जिसमें भला हुई है। जितना आप इसके बारे में सोचते हैं उससे ज्यादा आपके बारे में सोचती है। अगर आपने भगवान के लिए 10 मिनट लगाए तो आपके लिए 2 घंटे सोता है, भगवान की क्या करा है, इसके आगे मेरे को क्या करना है, इसको करना नहीं पड़ता कि भी कर ये काम कर, ये करना जब पड़ता है कि मतलब घटिया लोगों के पास भूत देखे करते हैं तो ऐसा नहीं है, वहाँ करने की जरूरत नहीं है, वो पराप शक्ति जानती है कि क्या चीज अपना दे देगी, आपको ज्यादा देगी, आप मांगोगे से ज्यादा देगी और ज्यादा फायदा करेगी। और अगर आप मांगते हो तो सत्य की ये तो अलग तरह का फल है, ये मतलब कामना कामना ले जाकर गीता इसको कहती है दही शत्रु महाबाहो काम रूप की जो कामना ले सर आपका लिंक कट रहा है, आवाज नहीं आ रही, क्या भक्त वो फिर लो भी हो जाएगा, ठंड जाएगा ये काम बन गया, उसके प्रति समर्पण करना वो अपना कर लेगा, उसके काम ज्यादा ही फायदा देगा, ये ऐसा मतलब तंत्र का असली निचोड़ है वो यही है। डॉक्टर साहब वैसे ना मेरे मन में ये विचार आ रहा है के लिए करेंगे तो वो काम का प्रयोग होगा, क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि काम को वर्जित करें, निषिद्ध को वर्जित करें, कि कामना लेके आप भगवान के पास नहीं जाए जरा सा, और निषिद्ध को मतलब दूसरे का बुरा तरह किसी ने भी तरह पास नहीं है, ये दोनों काम निषिद्ध इनको हम छोड़ें, हम केवल उससे उसके अनुसार है वो जैसा कुछ करें उसके अनुसार आ चुके हैं जी जी जी। धन्यवाद। वैसे डॉक्टर साहब मुझे ये लग रहा था कि जैसे गौरव जी का प्रश्न था कि जिस तरह के मानसिक अस्वस्थता आ रही है उसमें जो महाप्राण ध्वनियों वाले बीज मंत्र हैं, हैं जी जी डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है कि जिस तरह की मानसिक हाँ उसमें जो है वो महाप्राण ध्वनियों वाले जो बीज मंत्र हैं जैसे ढंग हंग छंग इस तरह की अगर महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग किया जाए तो ये जो मानसिक अस्वस्थता वाली बातें हैं डिप्रेशन की बातें हैं उससे उन काफी हद तक जो है वो मुक्ति जो है पाई जा सकती है, वो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर वो काफी गहरा असर डालेंगे।
और भी प्रयोग करना चाहें तो दो दो तीन तीन बीज मंत्रों को मिलाकर के भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करके देखें और फिर अगर कोई आपको परिणाम मिलता है तो उसके विषय में हमारे साथ साझा करें। तो हम प्रश्नों के अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं, और लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक मैडम डिंपल जी की समस्या थी। मैडम डिंपल आप जुड़े हुए हैं तो आप मुझे अपना बताएं कि क्या समस्या है, फिर हम मीटिंग को समाप्ति की ओर लेके चलेंगे और धन्यवाद करेंगे। यदि किसी की कोई समस्या है तो हम उसको अभी बात में ले लेते हैं धन्यवाद ज्ञापन के बाद, और फिर जो है किसी का कोई प्रश्न है। नमस्कार सर, अगर तंत्र शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करना हो तो कौन सी व्याख्या सही रूप से रहेगी? जी डॉक्टर साहब, हाँ तनो के गुलान अर्थान, तो तनो के मतलब तनु धातु है तो इसका अर्थ है विस्तार, ये साथ में बड़ा विस्तार क्यों हो जाता है और विपुल अर्थ को बढ़ाता है, तो तनो के विपुलान अर्थान तो वो विपुल अर्थ हो जाता है, ये तन से अर्थ मानते हैं और तरह से अर्थ मानते हैं रक्षा करता है, वो हमें विस्तार की ओर ले जाता है और हमारे समस्याओं का सबका निदान करता है और रक्षा करता है, तरह का रक्षा करना, ये तंत्र का अर्थ माना गया, तंत्र की शाब्दिक व्याख्या ये की गई है। जी धन्यवाद सर, और इन्हीं सब शब्दों के साथ क्योंकि समय हमारा हो गया है और कल का एक सेमिनार है, इससे पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं, कल का एक वेबिनार है 10:30 बजे और वो बहुत ही रुचिकर है और कंट्रोवर्शियल भी, अगर आप उसको समझना चाहें तो उसके लिए भी आपका स्वागत है, कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राह्मण्स एंड ब्राह्मणिकल एलिमेंट्स टू इंडियन हिस्ट्री, बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही रुचिकर और प्रामाणिक जो है वो कल का वेबिनार रहेगा, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं अपनी अपनी रिजर्वेशंस के साथ भी, अपने अपने ओपन माइंडेडनेस के साथ भी। तो आज के वक्तव्य के लिए आज की जो परिचर्चा है उसमें जितने भी हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े हैं, लगभग 70 से ऊपर ही प्रतिभागी थे, तो उन सब प्रतिभागियों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे विषय को सुना आज के युग में भी, जबकि टेक्नोलॉजी और भागदौड़ का अपनी तरह का ही एक युग चल रहा है, उसमें तंत्र जैसे विद्या के बारे में सुनना एक अपनी तरह के धैर्य की अपेक्षा रखता है। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी विद्वत्ता के प्रति अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से अपने समस्त ज्ञान को, अपनी सारी मेहनत को हमारे साथ बिल्कुल निर्द्वंद्व भाव से हमारे साथ साझा किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसके प्रति हम कुछ इस वक्त दे नहीं सकते, गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपको कुछ प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन वाणी मात्र से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके प्रति अपनी श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, आप उसे स्वीकार करें। और अच्छा लगता है किसी विद्वान व्यक्ति को सुनना और विशेष रूप से सरल और सहज विद्वान की बात सुनना, तो और भी हमारे लिए, मुझे लगता है वो हमारे ही पुण्य होंगे कि आप जैसे विद्वान वक्ता को हमें सुनने का मौका मिला। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और अब यदि किसी की कोई समस्या हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, अन्यथा आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, कल 10:30 बजे हम लोग मिलेंगे दोबारा, और कल की परिचर्चा जो है वो मैंने बताई है, विषय बड़ा रुचिकर, बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत डायनेमिक वो टॉपिक है, और कल उस पर हम चर्चा करेंगे 10:30 से लगभग 12:30 तक। तो आप सभी का पुनः पुनः आभार, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, जिनकी कोई समस्या है वो मेरे से बात कर सकते हैं। सर डॉक्टर साहब का नंबर कॉन्टेक्ट डाल दीजिए।